प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और ईबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। कोटक महिंद्रा बैंक के अच्छे नतीजों के बाद आप वापस हरे निशान की वापसी बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। हालांकि जबरदस्त और ताबड़तोड़ तेजी आपको अन्य कई छोटे और मंझले काउंटर्स में आती हुई दिखेगी। निफ्टी आपके सामने 4-5 दिन की लाल निशान के बाद वापस हरे निशान में 18,200 के आसपास बुल्स और बेयर्स के बीच में द्वंद चलता हुआ और फिलहाल आप लगभग 100 अंकों की तेजी देख रहे हैं। बहुत सारे काउंटर्स मेटल्स में और खासकर ऑटो स्पेस में 4-5 दिन की गिरावट के बाद अब अच्छा हरा निशान दिखाते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए एक बढ़िया स्विंग ट्रेड आपके सामने बनता हुआ। CNBC आवाज और एबिक्स कैश के इस शानदार स्टूडियोज में आपका स्वागत है। वीरेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चर्चा अब शुरू होगी बढ़िया स्टॉक पिकिंग की। कुमार साहब जी, शैल जी नमस्कार, और उम्मीद करते हैं ये जो आखिरी का 90 मिनट का समय है अच्छा होगा। मार्केट ब्रेथ अच्छी हो रही है, मिड कैप्स अच्छा कर रहे हैं, और शैल जी मेरी अप्रोच सुबह की तरह ही कायम रहेगी। मैं 18,200 और 300 की कॉल को ट्रेड करूंगा सुबह सुबह, 18,200 18,300 की कॉल। दोनों ही कॉल्स ने अच्छा स्विंग दिया था और प्रोस्पेक्टिव यही है कि निफ्टी ड्यूरिंग द डे आज और कल में 18,288 18,310 के जोन को छुएगा। तो ट्रेड इंडेक्सेस पे याद रखिएगा, निफ्टी पे सिर्फ यही है, जोन है नीचे 18,040, ऊपर है 18,310, तो 18,200 की कॉल को ट्रेड करें। लेकिन शैल जी मार्केट ब्रेथ को देखते हुए, और मैं आपको सिर्फ एक डेटा दूंगा शैल जी, और उसके आधार पर एक बात कहना चाहूंगा, निफ्टी FMCG इंडेक्स को देखिए, यहां पे आज 4 टॉप वाई गिनर हैं और 4 की 4 कैंडल्स जो हैं वो इंडिकेट करती हैं कि आज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग क्लोजिंग में आप FMCG स्टॉक्स में देख सकते हैं। गोदरेज CP 35%, बर्जर में स्ट्रांग वाई जुड़ा, नेस्ले में काफी स्ट्रांग वाई और जुबिलेंट फूड में काफी स्ट्रांग वाई। तो शैल जी मेरे को लगता है कि पॉसिबली एक क्लोजिंग जो है वो अच्छी शॉर्ट कवरिंग उन स्टॉक्स पे हावी होगी जो कि पिछले 4-5 दिन से काफी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देख रहे थे। शैल जी आपकी निगाहें कहां पर होंगी? वीरेन जी फिलहाल तो निगाहें मेरे सामने टिकर पर चलती हुई दिख रही हैं। डॉक्टर साहब जिंदल स्टेनलेस का चार्ट स्क्रीन पर प्रस्तुत करेंगे। आज दिन है मेटल्स का, 5 दिन की बिकवाली के बाद आप शानदार मोमेंटम इस काउंटर में देख रहे हैं। मुनाफा ध्यान दीजिए कितना जबरदस्त तरीके से आपको मेटल क्षेत्र में बढ़ता हुआ दिखेगा। यहां पर जो आंकड़ा आपको आता हुआ दिख रहा है वो पिछली तिमाही में था 82 करोड़ और अब 410 करोड़, यानी कि 5 गुना आपको जिंदल स्टेनलेस का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। साथ ही साथ जो ऊपरी टॉप लाइन है वो आपको 5030 करोड़ पर आती हुई दिखेगी मुकाबले 3310 करोड़ के। तो आप समझिए कि लगभग आपके सामने 1700 करोड़ आपको ज्यादा टॉप लाइन बढ़ती हुई दिख रही है और मार्जिन एक्सपेंशन इतना तगड़ा है कि मुनाफा 5 गुना आपको बढ़ता हुआ दिखा है। स्टॉक दहकता हुआ तेजी में। डॉक्टर साहब जरा अपने टेक्निकल पैनल से एकदम जुड़ते हैं, इस तेजी को पकड़ना अति आवश्यक है। 9% ऊपर जिंदल स्टेनलेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहां पर राजेश पालविया साहब। राजेश जी जिंदल स्टेनलेस का चार्ट मैं स्क्रीन पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और ये काउंटर आपको दौड़ता हुआ दिख रहा है बहुत ही शानदार नतीजों पर, 183.30 और वॉल्यूम है 15,81,000। बताइए क्या कीजिएगा, मुनाफा 5 गुना बढ़ता हुआ? जी बिल्कुल, काफी अच्छा मोमेंटम आज अगर देखें तो पूरे स्टील पैक में और मेटल स्टॉक्स में देखने को मिला। जिंदल स्टेनलेस में जिस तरीके से अभी मोमेंटम बना है हमें लगता है कि यहाँ से मोमेंटम और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 189-192 ये इमीडिएट लेवल हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। जिनके पास भी पोजीशन है करंट लेवल से स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, और अब ये हमें लगता है कि जिस तरीके से इसमें रैली एक्सटेंड होते हुए दिख रही है हमें लगता है ये स्टॉक में और भी यहाँ से अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो 195 तो इमीडिएट टारगेट हमें लगता आते हुए दिख सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 182 पे ले आए, स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और जो वॉल्यूम एक्शन है वो ये दिखाता है कि ये प्रीवियस स्विंग हाई को भी अब क्रॉस करते हुए दिखेगा जो कि इसके थे करीब 188 के आसपास, इसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो स्टॉक में 200 रुपए तक की भी चाल इसके आते हुए दिख सकती है। आप जो प्राइस अब देख रहे हैं 100
187 का आपने वीरेन जी ये देखा था जनवरी 1, 2008 को, तो आप समझिए कि लगभग आप 12-13 साल का एक मूव आते हुए देख रहे हैं और ये काउंटर अब 190 की तरफ अग्रसर। वीरेन जी आप कुछ पोजिशनिंग देखेंगे चार्ट पर कैसी लगती है, 5 गुना बढ़ते हुए आए और आप जिंदल स्टेनलेस में एक ब्रेकआउट ट्रेड बनते हुए देख रहे हैं। शैल जी एक बार इसको ट्रैक कर लेते हैं, जिंदल स्टेनलेस प्लीज स्क्रीन पे लिखाइएगा 189.70 स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ अगर आप देखें तो यहां पर मूव आया है पोस्ट अर्निंग्स। शैल जी ये इसका अब तक का इसके ट्रेडिंग करियर का अगर आप देखें तो 2007 के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल है। अब टेक्निकली अगर आप देखें तो ये एक समझ लीजिए कि डेकेड के अनचार्टेड टेरिटरी में है और मेरे ख्याल से एक जो नया सप्लाई जोन या आई थिंक पॉसिबली आ सकता है शैल जी वो आता है 208 के जोन में। एक काम करते हैं इस पर टेक चेक ले लेते हैं कुणाल रैंबिया से भी। कुणाल बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है आपको इतनी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के साथ 208-205 की, क्योंकि इस अर्निंग सीजन में एक बात रही है जहां नंबर्स स्ट्रॉन्ग रहे मोमेंटम कुछ दिन तक कायम रहता है, आपका टेक? एब्सोल्युटली वीरेंद्र जी, अगर मैं जिंदा स्टेनलेस की बात करता हूं तो काउंटर ने आज प्रीवियस हाई भी क्रॉस किया और देखिए कम से कम ऑगस्ट से लेकर अब तक एक क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था और आज के जो वॉल्यूम्स है वो भी बहुत एनकरेजिंग है कंपेयर टू दैट एंटायर कंसोलिडेशन। आज के वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे पिकअप हुए, तो इट्स अ वेरी क्लियर बाय। इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो है 200 का और जैसे अगर 200 क्रॉस होता है तो 215 तक की जगह इसमें और ऊपर हो सकती है। चलिए ये रणनीति आपके सामने जिंदल स्टेनलेस पर आती हुई दिख रही है। ब्रेक साहब मेरे ख्याल से पूरा आप स्टेनलेस स्टील का या मेटल्स का पैक दिखा दीजिए, यहां पर जो तेजी है वो ताबड़तोड़ है। जेएसडब्ल्यू स्टील 686 आपके सामने स्क्रीन पर तेजी में दौड़ता हुआ, ये काउंटर आपके सामने 5.25% ओपन इंटरेस्ट के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। जेएसपीएल दिखाइए, यहां पर सुबह सुबह आपको सतपुते साहब ने एक बाय कॉल दी थी 3.5% की वृद्धि 13% ओपन इंटरेस्ट। हम लोग 4, 4, 8 और 1, 9 काउंटर मेटल के दिखा रहे हैं स्क्रीन पर आपको और 9 के 9 में आप जो तेजी देख रहे हैं वो आपको गहराती हुई दिख रही है। वीरेन जी आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो जिंदल स्टेनलेस अब ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि करीब करीब 189 की ट्रेजेक्टरी में आ चुका है। शैल जी एक काम करते हैं एक और चीज लिख देते हैं और वो है कोटक महिंद्रा बैंक पोस्ट नंबर्स पोस्ट अर्निंग्स। आप देखिए 2239 पे असित के पास चलते हैं। असित ट्रेडिंग थॉट ऑन कोटक महिंद्रा बैंक, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम, बस दिक्कत यह है कि हम इस हफ्ते के अब एक चीप ऑप्शन को अगर आप देखें सस्ते ऑप्शन को हाथ नहीं लगा सकते, थॉट ऑन कोटक महिंद्रा बैंक। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, मुझे लगता है कि कोटक में मोमेंटम है, अगर ये 2200 के लेवल को अगर मेंटेन करता है तो 2300 लेवल हमें दिख सकता है मे बी इन कपल ऑफ डेज टाइम, बट मोमेंटम अच्छा है। डेट में अगर बाय करना है तो 2200 का स्टॉप लॉस लेके हम इसको प्ले कर सकते हैं, बट मोमेंटम में ट्रेड भी अच्छा है ले सकते हैं टू कोटक बैंक का, बट मैं ऑप्शन में नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज डीके थोड़ा रहेगा। आज बैंक निफ्टी ऊपर भी गया था तो बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन इतना मूवमेंट नहीं दिए थे, तो आई रादर प्ले विद द काइंड ऑफ माय फ्यूचर, थोड़ा डीप में आता है तो ले सकते हो 2200 का स्टॉप लॉस। 2200 का स्टॉप लॉस रहेगा इस स्टॉक को अप्रोच के, इट्स ऑल अबाउट अ मोमेंटम। डे हाई पर आके अगर आप देखें तो आपका कोटक महिंद्रा बैंक और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। प्रकाश सर आपका कन्विक्शन ट्रेड 2 बजे का? मेरा 2 बजे का कन्विक्शन ट्रेड है टीवीएस मोटर, ये बढ़िया स्टॉक लगता है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट में था परसों और 3 दिन से साइडवेज जोन पर ट्रेड कर रहा है। 600 रुपए का स्टॉप लगाइए बस, 640 650 आते दिनों में देखेंगे टीवीएस मोटर। चलिए ये रणनीति आपके सामने टीवीएस मोटर पर गाबा साहब सेट करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल जो मोमेंटम है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल में है और जिंदल स्टेनलेस का ट्विन जिंदल हिसार आपको अब तेजी में चलता हुआ दिखेगा। यहां पर 383.85 का प्राइस वीरेन जी मेरे सामने है स्क्रीन पर और ये काउंटर भी बिल्कुल ब्रेकआउट के लिए तैयार है। एक रणनीति यहां पर सेट करवाते हैं अपने मित्र राजेश पालिया साहब से। राजेश जी बिल्कुल वही पोजिशनिंग आपके सामने, जिंदल स्टेनलेस हिसार अब 9% ऊपर जिंदल स्टेनलेस के साथ चलता हुआ, बताइए क्या रणनीति रखेंगे?
तो बिल्कुल पूरे ही मेटल पैक में जिस तरीके से मोमेंटम बना है, जिंदल स्टेनलेस हिसार को भी अगर हम सेटअप को देखें तो ये भी अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहा है, जो कि है करीब इसका 335 के आसपास। 335 का ब्रेकआउट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक के लिए, क्योंकि अगर स्टॉक में देखें तो तीन चार दिन की जो गिरावट थी पूरी गिरावट को आज ये रिकवरी देते हुए दिख रहा है, और अगर ये 335 के ऊपर आज क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये क्रॉस करता है तो फिर ये स्टॉक में जो बड़े टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं वो आएंगे 360 तक के। तो अब ये जिस तरीके से रिवर्सल दिखने को मिला है ये पूरे पैक में, हमें लगता है कि ये स्टॉक को थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे बाय करके होल्ड रखना चाहिए। करंट लेवल से अब स्टॉप लॉस रखे इसमें करीब 318 के आसपास, और हमें लगता है सूनर और लेटर अगर आज अगर अटेम्प्ट तो जरूर किया स्टॉक में आज प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करने का, अगर ये कर लेता है तो ये 360 तक कंटिन्यूटी रहेगी, अदरवाइज हमें लगता है कि सूनर और लेटर ये टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे, तो 318 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय पोजिशन बनाना चाहिए। ये पांच गुना आपने यहाँ पर इसके ट्विन जिंदल स्टेनलेस में मुनाफा बढ़ते हुए देखता है, और पूरा का पूरा मेटल स्पेस यहाँ पर तेजी में। जिंदल स्टेनलेस हिसार का थोड़ी देर सांस लेने देते हैं, कुछ ही समय बाद यहाँ पर हम लोग वापस जुड़ते हुए दिखेंगे। वीरेन जी, एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड हिंडाल्को में बनता हुआ, हम लोगों ने इसकी चर्चा आज सुबह 479 पर करी थी और अब आपके सामने 486 का प्राइस है। वीरेन जी, जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें उस वक्त जो हमने ट्रेड किया था एग्जैक्टली दो कारण थे उसके, वो ये है कि हिंडाल्को ने इस पूरे अगर आप देखें अपने बुल रन में, स्पेशली अगर आप देखें जो कमेंस हुआ था 23 अक्टूबर 2020 को, उसमें कभी भी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बहुत डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं दी, और कल का और आज का स्विंग भी एग्जैक्टली वही था। राजेश, इनफैक्ट राजेश पालवे जी, इसका नेक्स्ट मंथ का कोई ऑप्शन पकड़ना चाहेंगे आप? अगर ये एक सीरियस पुलबैक बन जाए तो पैसा भी बनेगा, 500 कॉल ऑप्शन नेक्स्ट सीरीज का नवंबर का? तो वीरेन जी देखिए, काफी इंटरेस्टिंग मूव पूरे मेटल पैक में बनते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि अब जो एक करेक्शन हमने पिछली इस सीरीज में देखा था, अब कहीं ना कहीं वो रिवर्सल के एक साइन दिखाते हुए दिख रहे, और हमें लगता है कि ये मेटल पैक का मोमेंटम अब नेक्स्ट सीरीज में भी कैरी ओवर होते हुए दिखना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ से जो मेटल स्टॉक्स में जो करेक्शन था और अब जो रिकवरी बन रही है, हमें लगता है कि ये पोजिशन को कैरी करना चाहिए, और हिंडाल्को का नेक्स्ट सीरीज का कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक का सेटअप ओवरऑल पॉजिटिव, और जिस तरीके से अभी ये प्लेस्ड है स्टॉक, हमें लगता है यहाँ से करीब इसका 500 के स्ट्राइक का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब है 25 रुपए के आसपास नवंबर सीरीज का, उसमें बाय पोजीशन बनाए और उसमें रखे स्टॉप लॉस, थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड रहेगा इसमें, 19 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखे, और हमें लगता है कि जिस तरीके से मेटल पैक में तेजी बनी है, माल को अब लेवल को वापस क्रॉस करते हुए देखिएगा, इसके टारगेट आना चाहिए 38 रुपए से 40 रुपए तक के, लेकिन ये पोजिशनल ट्रेड होगा। फिर आप आइए देखिए एनएमडीसी, आपकी स्क्रीन पे ये भी एक पुल बैक देखिए ऊपर की तरफ आता, मेटल्स में आप देखे तो अच्छा खासा स्विंग मिलता हुआ। चलिए मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। मयूरेश नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मयूरेश, आईसीआईसीआई बैंक के अगर आप देखें नतीजों के बाद, एक बार बताइए कि कोटेक ने अच्छा रिएक्शन दिया है, कोटेक नाउ ट्रेवलिंग एट ऑल टाइम हाई, कोटेक की नंबर्स को आपने कैसे रीड किया और संक्षेप में इस टिप्पणी को रखिएगा, और आपका इस वक्त का चुनिंदा ट्रेड जो कि आपने अपनी टीम क्लाइंट्स के साथ शेयर किया हो। Afternoon, Shail sir, and good afternoon to everyone on the panel. So I think बेहतरीन नतीजे थे, तो आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक के तो शानदार नतीजे थे, कोटक बैंक ने फॉलो सूट किया है नतीजों के साथ, तो आई थिंक जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं स्पेसिफिकली लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये शायद एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और पॉजिटिव व्यू ये दोनों बैंक्स पे बरकरार रहेगा। जो ट्रेड हमें पसंद आ रहा है और जो हमने उनके क्लाइंट्स को बताया है फ्रॉम अ स्विंग परस्पेक्टिव, क्योंकि काफी बेहतरीन मौके मार्केट्स में आ रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज से, IDFC यहाँ पे हमें लगता है एक बेहतरीन मौका हो सकता है। IDFC की आई थिंक जो खासियत आप देखें, आई थिंक जो अंडर परफॉर्मेंस रहा था बिकॉज ऑफ कोविड एंड कोविड रिलेटेड इश्यूज, काफी वो अंडर परफॉर्मेंस आई थिंक इज नाउ गेटिंग रिटर्न बैक। एसेट क्वालिटी की जो प्रेशर्स देखे थे, आई थिंक दोज आर कमिंग ऑफ क्वाइट सिग्निफिकेंटली, और जो आई थिंक एक रिटर्न रेशियोज की हम बात करते हैं, बिकॉज ऑफ इंप्रूव्ड डायनामिक्स, जो एबिट मार्जिन्स और आरओईज इंप्रूव होंगे, तो
कहीं ना कहीं आई थिंक दैट शुड ऑल्सो हैव ह्यूज इम्पैक्ट एज फार एज कैश फ्लोज आर कंसर्न्ड. तो मुझे लगता है आई थिंक आईडीएफसी पे ध्यान देना चाहिए. स्विंग ट्रेडिंग टीम को खास कर ये इसलिए पसंद आया क्योंकि 21 डीएमआई जो उसका 53.60 पे है, यहां से आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुलबैक दिया है. वॉल्यूम जबरदस्त है और इसलिए हमारी टीम को लगता है आई थिंक 62 के टारगेट्स आईडीएफसी फर्स्ट पे मुमकिन हो सकते हैं. स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 51.80. ये रणनीति आपके सामने आईडीएफसी पर आती हुई. डायरेक्टर साहब एकदम प्रस्तुत करेंगे ब्रेकआउट ट्रेड्स जिंदल स्टेनलेस और जिंदल स्टेनलेस हिसार पर. डायरेक्टर साहब ले आइए दोनों चार्ट्स को. 343 का प्राइस एक है और 194 का प्राइस आपके सामने ये आता हुआ. देखिए जिंदल स्टेनलेस के नतीजे आए, 82 करोड़ से मुनाफा बढ़ता हुआ अब आपके सामने आया 410 और ये काउंटर अब 16% ऊपर है. यही तेजी आप जिंदल स्टेनलेस हिसार में देख रहे हैं क्योंकि नतीजे वैसे ही आने की उम्मीद है और इन दोनों में एक्चुअली एक विलय भी होने वाला है 1.95 के रेशियो पर. तो जितनी तेजी आप जिंदल स्टेनलेस में देख रहे हैं लगभग वही मूवमेंट बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ आपको जिंदल स्टेनलेस हिसार में आता हुआ दिख रहा है. यहां पर मयूरेश जोशी साहब को जोड़ते हैं. मयूरेश जी, एक समय था ये दोनों काउंटर्स बहुत ही हाई बीटा और बाजार के पसंदीदा स्टॉक्स थे 80-90 रुपए के आसपास. बताइए कुछ पसंद आता हो आपको इन नतीजों में, 5 गुना मुनाफा बढ़ता हुआ. जबरदस्त नतीजे थे शेल सर और मुझे लगता है आई थिंक जो एक आउट परफॉर्मेंस अभी भी आ सकती है आई थिंक कैन बी क्वाइट सिग्निफिकेंट. आई थिंक जो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज है चाइना और इंडोनेशिया के साथ, आई थिंक अ लॉट ऑफ एमएसएमईज हैव एक्चुअली रेज्ड ऑब्जेक्शंस कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं पिछले 4 या 5 महीनों में. अगर कुछ मैक्रो डेवलपमेंट्स होती है तो आई थिंक इंडस्ट्री को सपोर्ट देगी विच कैन बी एन एडेड बेनिफिशियल फैक्टर. बट गोइंग कमिंग टू द कोर नंबर्स आई थिंक जबरदस्त नतीजे. मुझे लगता है आई थिंक जो इबिट मार्जिन का परफॉर्मेंस है दैट इज एग्जेम्पलरी और जो आई थिंक एक डिमांड रहती है स्टेनलेस स्टील की आई थिंक that should keep on growing as we see the festive season or agle kuch timaiyon tak ka being a very good alternative at this point of time. So I think the dono stocks mein is sabse bahut badhiya karne chahiye jinke paas hai bane rahe momentum dono stocks mein continue ho sakta. वीरेन जी, हम लोग ताबड़तोड़ तेजी अब हिंडालको में ट्रैक कर रहे हैं ऑलमोस्ट 487, टाटा स्टील 1336 और आप नैलको में 107.80 रुपए का प्राइस आते हुए दिख रहे हैं. स्टील अथॉरिटी निकलता हुआ और 119.20 रुपए का दिन का उच्चतम लेवल देख रहे हैं आप 4 दिन की गिरावट के बाद. वीरेन जी, जी शैली, टाटा स्टील अब एक इंपॉर्टेंट जंक्चर पार कर रहा है और मैं इसको नोट करके बैठा था. टाटा स्टील जब जब अपने 20 डीमा को पार करता है तो एक अच्छा स्विंग देता है. एग्जैक्टली 1339.60 ये इसका एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है. कुणाल रामिया जी, आपको कोई टाटा स्टील में मूव नजर आ रहा है या फिर कोई ऑप्शन पकड़ के चलना चाहेंगे आप इस रेंज से? 100 का बेस और 50 का अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस, इसको जब पार करता है तो इस रेंज से लेकर के 50-60 रुपए का स्विंग देता है. तो वीरेंद्र जी, मेरा 2 बजे का कनेक्शन ट्रेड ही टाटा स्टील था और उसका रीजन ये था कि 1430 से काउंटर जब नीचे आया 1275 तक एक बॉटम फॉर्मेशन हुई थी. कल पहला स्विंग आया था और आज मॉर्निंग में वो प्रीवियस स्विंग क्रॉस हुआ था और उसका जो सेकंड ब्रेकआउट था वो है 1326 का जो अभी आया हुआ है, जस्ट ऑन स्क्रीन आया हुआ है. सो हम यही लेवल पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं. हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 1325 का, क्लोजिंग बेसिस पे रखेंगे जो यहाँ से प्रेजेंट लेवल से 13 रुपए का दूर होगा और इसका पहला जो टारगेट बन रहा है वो 1380 का बनेगा. और अगर ये काउंटर 1380 के ऊपर जाता है तो प्रीवियस हाई के ऊपर भी जा सकता है, बट शॉर्ट टर्म टारगेट 1380 का. ओके, शॉर्ट टर्म टारगेट आपका 1380 का रहेगा. देखिए बात करते करते 1340 पे फ्यूचर्स आ भी गए आपकी स्क्रीन पर. एक स्टॉक और लेके आइए अब और जो कि अच्छा कर रहा है. देखिए पूरा का पूरा मेटल्स वाइब्रेंट है. लुक एट एस्कॉर्ट्स नाउ. आई मीन एस्कॉर्ट्स सुबह भी बात हुई थी, याद रखिएगा ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है विद इन द एंटायर ऑटो स्पेस. और जो सुबह जिस शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था कि देख लीजिएगा इसका फॉल जो है बहुत रेस्ट्रिक्टेड था और 50 डेमा से अपने को इसने पुल बैक में फिर से अगर आप देखें कंटिन्यू किया पुल बैक अपना और ये फ्लैग है टिपिकल फ्लैग जो कि अभी भी स्क्रीन पे विजिबल है. आपकी राय इस स्टॉक पे सुबह सुबह जिन लोगों ने पिक किया वो क्या करें अभी यहां पर 1541 पे? राजेश पालवे जी, और 1560 के जोन के ऊपर क्या प्राइस पोजीशन है आपका एस्कॉर्ट्स का?
देखेंगे ऑटोमोबाइल स्पेस में एक आउट परफॉर्मर स्टॉक है एस्कॉर्ट, और जिस तरीके से इसमें मोमेंटम बने हुए हैं अगर इसके डेली वीकली सेटअप एनालाइज करें तो स्टॉक एक ब्रेकआउट टेरिटरी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से इसमें फॉर्मेशन बने हमें तो लगता है कि ये स्टॉक में और यहाँ से अपसाइड के मोमेंटम आगे आने वाली सीरीज में भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकते हैं जिस तरीके के राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे बने, तो हम यहाँ से इसका जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो आना चाहिए करीब 1640-1650 तक की अपसाइड। अभी ट्रेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1540 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1520 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, और ये सीरीज के आखिरी पड़ाव में अब ये स्टॉक वापस हायर साइड पे ट्रेड करते हुए लग रहा है, तो हमें लगता है कि एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक में नीचे जो टारगेट आना चाहिए अगले एक दो ट्रेडिंग सेशन में आना चाहिए करीब 1580 तक के, तो बिल्कुल एस्कॉर्ट पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रखें 1520 के स्टॉप लॉस। चलिए ये रणनीति आपके सामने फिलहाल ट्रैक्टर मेकर स्कॉट्स पर आती हुई दिख रही है, 1541 का प्राइस स्क्रीन पर और आप लगभग 10 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। हल्का सा रेस्ट लेते हुए मेटल स्पेसेस, लेकिन यहां पर आप तेजी कुछ ही समय में वापस जुड़ते हुए देखेंगे, और कौन कौन से काउंटर्स हैं मेटल्स के अलावा जहां पर आप अच्छा मूव आते हुए देख रहे हैं। चलिए डेट साहब जरा नजर डालते हैं अब टाटा पावर पर, इसलिए यहां पर आपको तेजी भांपनी है क्योंकि इसके नतीजे आपको कल आते हुए दिखेंगे, और काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 224.95 पर चार दिन की गिरावट के बाद। जोड़ते हैं यहां पर राजेश पालविया साहब को। राजेश जी स्क्रीन पर देखिए टाटा पावर को और एक बढ़िया यहां पर पोजिशनिंग देखिए, आप क्या लगता है कहां ये काउंटर जा सकता है? तो शिव जी देखिए स्टॉक में 4-5 दिन की गिरावट थी, लेकिन आज ओपनिंग के बाद से जिस तरीके से स्टॉक में एक एक्शन बना, स्टॉक में 232 का हाई भी लगाया, उसके बाद अगर हम देखें तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हुआ, लेकिन स्टॉक अपने आप को एक 220 के ऊपर जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है आज के लिए उसके ऊपर अब ये सस्टेन करने में कामयाब रहा है, तो हमें लगता है कि ये 220 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। आज की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर होती तो हमें लगता है कि स्टॉक के ओवरऑल सेटअप के हिसाब से स्टॉक तो एक बुलिश जोन में ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो यहां से जो इसके टारगेट बनना चाहिए वो बनना चाहिए करीब 240-245 की। हालांकि रिजल्ट के चलते जरूर नंबर को एक यहाँ पे एक वोलेटिलिटी या एक उसको रिएक्शन जरूर देगा स्टॉक, लेकिन टेक्निकल सेटअप 220 के ऊपर अगर आज ये क्लोज देता है तो स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट आना चाहिए 240 तक के। चलिए तो टाटा पावर आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा 225 पे, तो बहुत सारे स्टॉक्स जो कि रेस्ट ले रहे थे कुछ सेशन से अनवाइंडिंग मोड में थे वो अगर आप देखें अच्छा करते हुए। लुक एट टाटा मोटर्स, आज सुबह हम लोग का पहला जो ट्रेड था वो था टाटा मोटर्स, करीब करीब 491 की रेंज में पिक किया था 504, और याद रखिएगा ये भी उसी श्रेणी का स्टॉक है जो कि रेस्ट लिया और इसने अपने इस मोमेंटम को समझ लीजिएगा कि शुरू किया था 7 अक्टूबर को, 1, 2, 3, 4, 5 सेशंस में अगर आप देखें तो चला गया 534 और उसके बाद 10 डेमा पे रेस किया और 503.65 पे। कुणाल आप देखिए टाटा मोटर्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, इसने इंडिकेट और कहीं ना कहीं इस बात को काफी हद तक रिफ्लेक्ट किया है कि बॉस मैं अपने मोमेंटम को लॉस नहीं कर रहा हूं, 10 डेमा तोड़ने को तैयार नहीं है। सुबह हम लोगों ने ट्रेड जो करवाया था उसमें लोगों के अच्छे स्विंग बने, पैसे बने, और सारे के सारे ट्रेड्स अगर आप देखें इसमें प्रॉफिट्स में भी होंगे। ये भी कुछ एस्कॉर्ट्स का ही रिफ्लेक्शन है, टिपिकल फ्लैग 506-507 के ऊपर इसका पोजीशन क्या है डे हाई पे टाटा मोटर्स। निरंजन जी जैसे आपने बताया 355 का ब्रेकआउट और 520 की रैली, ये एक बड़ा सा पोल बना और अब चाइनीज कंसोलिडेशन में काउंटर फ्लैग बना रहा है, फ्लैग का ब्रेकआउट 505 या 506 ऑन द क्लोजिंग बेसिस 506 पर चलते हैं, जैसे इसके ऊपर जाता है कम से कम यहाँ से 100 पॉइंट की रैली आ सकती है और वो भी मिनिमम होगी क्योंकि मैं पोल की तो सिर्फ 66% की बात कर रहा हूँ, अगर पूरा लेते हैं तो 650 तक के टारगेट आ सकते हैं, बट 100 पॉइंट की पोजिशनल रैली के लिए टाटा मोटर्स इज अ वेरी क्लियर बाय, 506 के ऊपर क्लोजिंग होगा तो 480 का स्टॉप लॉस बनेगा और 100 रुपए का टारगेट बनेगा। चलिए ये हम लोग मोमेंटम ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं टाटा मोटर्स पर। रामिया साहब बड़े दिनों में जुड़े, कुणाल जी स्वागत है आपका, बढ़िया आप ट्रेड्स पकड़ते हुए दिख रहे हैं मेटल स्पेस में, लेकिन जरा कुछ ध्यान और मोहब्बत आप दिखाइए ग्लेनमार्क फार्मा पर। डायरेक्ट साहब एक लंबी अवधि का चार्ट दिखा दीजिए, यहां पर मायूसी जो हाथ लगी है
शेयर धारकों के वो देखते ही बनती है। हम लोगों ने जुलाई के महीने में इस काउंटर को 680 के आसपास दौड़ते हुए देखा और अब आप देखिए 505 पर। स्विंग ट्रेड तो आपके सामने स्क्रीन पे ही है, 8 दिन की गिरावट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बुल्स के फेवर में। रामिया साहब क्या लगता है ग्लेनमार्क फार्मा में? शैल जी हम अगर जुलाई से लेके अब तक की बात करते हैं तो मैं टॉप कंसीडर कर रहा हूँ 615 का और दूसरा जो टॉप बना रहे हैं जो काउंटर वो है अक्टूबर में 530 का। अगर ये दोनों टॉप को कनेक्ट करते हैं तो एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन बनता है और ग्लेनमार्क फार्मा में वो फॉलिंग वेज का बॉटम जो बना था जो 475 था वो एग्जैक्ट फॉलिंग वेज का बॉटम बना, वहीं से बाउंस आया है। अगर ग्लेनमार्क फार्मा अगले 2 या 3 दिनों में 515 के लेवल क्रॉस करता है तो कम से कम 620 तक के टारगेट आ सकते हैं और ये फॉलिंग वेज का बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड होगा। यहाँ पे फुल मोमेंटम ट्रेड एज ऑफ अभी इनिशिएट कर सकते हैं। अगर इंट्राडे में किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना होगा तो 495 का स्टॉप लॉस बनेगा और पहला टारगेट बनेगा 515 का। जैसे काउंटर 515 के ऊपर जाता है तो 620 तक की जगह इस काउंटर में ओपन हो सकती है। चलिए तो ये रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए आप यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन ले सकते हैं फिलहाल 506 का। और ये देख लीजिए 8 दिन की गिरावट के बाद आज यहाँ पर हरी चहक और बुल्स के फेवर में ये ट्रेड जाता हुआ। इससे पहले कि हम आपको एक अपने नए मेहमान से जुड़वाएं, एक ट्रेड और स्क्रीन पर बहुत बढ़िया तरीके से काम करता हुआ दिख रहा है और वो है DLF। यहाँ पर पालिया साहब से जुड़ेंगे। पालिया साहब 5 दिन की गिरावट DLF पर भी और आपके सामने जो प्राइस है वो है लगभग 415, बताइए क्या कीजिएगा? तो बिल्कुल शैल जी, ये स्टॉक में काफी बड़ा ब्रेकआउट हमने देखा था पिछले मंथ में और जिस तरीके से स्टॉक ने परफॉर्म किया था पिछले 5-6 दिनों में जरूर एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लेकिन बिल्कुल इसमें बाय का ही व्यू है। करंट लेवल से भी यहाँ से बाय करना चाहिए, स्टॉक को 416 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वापस से इसमें रैली रिज्यूम होते हुए दिखेगी और स्टॉक में जो टारगेट आना चाहिए ब्रेकआउट के हिसाब से वो जो बनते हैं इसके करीब 445 से लेकर 460 तक की अपसाइड इसमें शॉर्ट टर्म आते हुए दिख सकती है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इमीडिएट जो पुलबैक बना है उसमें हमें लगता है जो टारगेट आना चाहिए 426 तक की अपसाइड यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, 411 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। इस रणनीति पर आप ध्यान दीजिए और पोजिशनली भी एक लॉन्ग कॉल यहां पे बनती हुई 426 का लक्ष्य आपके सामने रखते हुए पालविया साहब। चलिए रेक साहब जरा एक बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट आप बनाइए मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट का और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री सोय साहब। नमस्ते सर, स्वागत है आपका फिलहाल इस शानदार मोमेंटम में जहां पर आपके स्टॉक ने लगभग पिछले 11 महीनों में 140% का रिटर्न दिया है। मैक्स हेल्थ केयर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। स्क्रीन पर आप जानते हैं कि ये देश की दूसरी बड़ी हॉस्पिटल चेन है, 17 हॉस्पिटल्स सोए साहब चलाते हैं पूरे भारतवर्ष में, 3400 बेड्स हैं जिसमें 85% बेड्स आपको मेट्रोज में आते हुए दिखेंगे। एवरेज रेवेन्यू पर बेड अगर आप देखें तो इनके कॉम्पिटिटर्स में सबसे ज्यादा मैक्स हेल्थ केयर क्या है, लगभग 50,000 रुपए प्रति बेड और ऑक्यूपेंसी भी सबसे ज्यादा 65%। सोय साहब नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए किस हिसाब से आप आगे आने वाले 2 या 3 तिमाहियां देख रहे हैं? पिछला साल और खासकर पिछले 18 महीने हमने काफी तकलीफ में बिताए कोविड के दौरान और आपकी हॉस्पिटल चेन ने बहुत ही बढ़िया काम किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट भी करना चाहूंगा, पिछले 13 महीने में हम अगस्त 2020 में 21 अगस्त 2020 में लिस्ट किए थे, कुछ 107 रुपए की प्राइस थी, आज की डेट में 320 या 340 रुपए की प्राइस है, तो ऑलमोस्ट 3 गुना वृद्धि हुई है शेयर प्राइस में और प्रॉफिटेबिलिटी में 4 गुना। तो अगर आप देखें तो साल 2019 में अगर पूरा रेडियंट और मैक्स के हम सारे हॉस्पिटल्स की प्रॉफिटेबिलिटी एड अप कर ले तो वो कुछ 350 करोड़ की थी और पिछले क्वार्टर में ही प्रॉफिटेबिलिटी एबिटडा दोनों कंपनीज का आफ्टर मर्जर 360 करोड़ का रहा है, तो वृद्धि स्टॉक प्राइस पे 3 गुना और प्रॉफिटेबिलिटी में 4 गुना हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल
आप जैसे जानते हैं पूरा सारे देश ने सभी सेक्टर्स ने जूझा है ये कोविड की महामारी से, लेकिन हॉस्पिटल्स यहाँ तक थे उनने सबसे ज्यादा इसको जूझा, फ्रंटलाइन में भी थे और पिछले साल पहले क्वार्टर में तो एकदम इतना नुकसान हुआ था कि सारा सेक्टर ही रेड में था और वर्स्ट क्वार्टर था पिछले मेरे ख्याल 8 या 10 सालों में हॉस्पिटल सेक्टर का फर्स्ट क्वार्टर 2020। लेकिन वो पुरानी बात है, अब सबने बहुत कठिनाई से का सामना किया और कॉस्ट सेविंग्स करी है, स्ट्रक्चरल कॉस्ट सेविंग्स करी है पूरे सेक्टर में ही, और मैक्स ने तो उसमें जो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया है कोविड के टाइम पे और उसके रिजल्ट्स आप देख ही रहे हैं। अभय जी ये बताइए अब यहां से क्या, बहुत बढ़िया आपने रिजल्ट्स दिखाए, स्टॉक परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी, लेकिन आगे आने वाले 1 या 2 साल में कोई फ्रेश हॉस्पिटल्स आपके खुलते हुए दिखे, 17 हॉस्पिटल्स आपके पास अभी हैं, बेड कैपेसिटी अगर आप बढ़ाते हो उस पर चर्चा कीजिए। तो हम आज की डेट में इंटरनल अक्रूवल से और हमारी डेट फ्री बैलेंस शीट है, नेट डेट फ्री है, अगले क्वार्टर तक हो जाएगी, जो 200-300 करोड़ का नेट डेट बचा है वो भी पे ऑफ हो जाएगा अगले क्वार्टर तक। सो नेट डेट फ्री बैलेंस शीट है और अगर हम अगले 4 या 5 साल में अपने इंटरनल अक्रूवल्स ही देखें 4 से 5 हजार करोड़ तक वो होंगे और उसके साथ अगर मैं बहुत ही प्रूडेंटली अगर इसको हम बोरो करते हैं बैलेंस शीट में 2 times डेट टू एबिटा के तौर पे, तो फिर भी मिला के हमारे पास 10 से 11 हजार करोड़ है जो हमको लगाने हैं अगले 4 से 5 साल में। हमारी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29% की है और हम चाहते हैं कि इसमें वृद्धि हो ये पैसे लगा के अगले 4 से 5 साल में, और यही कर रहे हैं हम, डबल कर रहे हैं कैपेसिटी अगले 4 साल में और इसकी जो पहले 100 बेड हैं वो अगले 1 साल में आएंगे, उसके बाद 300 बेड अगले 2 साल में आएंगे और बाकी बेड अगले 4 से 5 साल के अंदर हम 3,500 बेड जो हमारे 3,400 बेड हैं वो डबल कर रहे हैं हम कैपेसिटी अगले 4 से 5 साल में। और ये कैपेसिटी डबल करने के लिए हम 3 से 3,500 करोड़ हमारा एस्टिमेट है कि इंटरनल अक्रूवल्स का लग जाएगा फॉर कैपिटल एक्सपेंशन, और बाकी इंटरनल अक्रूवल्स और जो हमारी एबिलिटी टू लेवरेज है उससे हम मर्जर एंड एक्विजिशंस करेंगे, तो उससे भी हमारी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। तो एक्सपेंशन प्लान बहुत है और अगले 4 से 5 साल में आप देखेंगे बहुत वृद्धि होगी नंबर ऑफ बेड्स में। जी सर, ये बताइए कि आपने जैसे कि कहा कि आपके इंटरनल अक्रूवल्स अगर आप देखें काफी रिसोर्सेज आप जुटा पाएंगे और आपके पास क्षमता भी है अगर आप देखें बाहर से पैसे जुटाने के लिए, ये जो एक्सपेंशन प्लान आपने कहा, आई मीन ये किस तरफ है? मैंने देखिए एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, कोई हॉस्पिटल चेन्स छोटी जो आपकी नजर में हो, एक तो इस संदर्भ में आपकी प्रतिक्रिया। दूसरी बात सर कि कुछ छोटे शहरों में आई मीन जाने की आपकी योजना है अगले कुछ सालों में ताकि आप वहां भी अच्छी सुविधाएं मुहैया करा पाए कुछ बड़े छोटे शहरों में? हाँ जी, तो छोटे शहरों में तो हम ग्रीन फील्ड नहीं देख रहे या ब्राउन फील्ड नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ वहां पे मर्जर एंड एक्विजिशन देखेंगे अगर कोई हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो बिल्कुल। जहां तक बड़े शहरों का सवाल है, मुंबई में हम 550 बेड लगा रहे हैं, हमारे पास 5 एकड़ जमीन है, दिल्ली में के बीच में साउथ दिल्ली में हमारे पास 17 एकड़ जमीन का पार्सल है जहां पे हम अपने 750 बेड को एक्सपेंड कर रहे हैं और उसमें से 7 एकड़ तो अभी फ्री है, वेकेंट है। गुड़गांव में भी आपने पढ़ा होगा कि हमें 2 लैंड पार्सल अवार्ड हुए हैं गोल्फ कोर्स रोड में और एक 6 एकड़ गोल्फ कोर्स रोड में और दूसरा है कुछ 500 मीटर गोल्फ कोर्स रोड से गुड़गांव में अलग, तो वहां पे भी हम 1100 बेड लगा रहे हैं। तो जमीन हमारे पास है, सबसे बड़ी चैलेंज होती है मेट्रोज में जमीन की, लेकिन दिल्ली गुड़गांव मुंबई वहां पे हमारे पास जमीन है। जहां पे जहां तक छोटे शहरों का सवाल है, चाहे वो देहरादून हो चाहे वो मोहाली हो, वहां पे हमारे बहुत ही ज्यादा हाई आरओसी के हॉस्पिटल्स हैं, तो हम काफी एक्साइटेड हैं कि छोटे शहरों में भी लगाएं, लेकिन हर छोटे शहर में ग्रीन फील्ड करने की जगह, क्योंकि अपने उनके बायलॉज होते हैं, कंस्ट्रक्शन में चैलेंजेस होते हैं, हम ये चाहते हैं कि छोटे शहरों में या तो हम डेवलपर्स का टाइप करें कि वो हमारे लिए बिल्ड टू सूट कर दें और जिसमें और इस तौर पर हमारी बातें भी चल रही हैं, लेकिन इसके अलावा हम मर्जर एक्विजिशन भी देखेंगे छोटे शहरों में।
जी तो एमएनए एक्टिविटी ही अगर आप देखें तो आपका अगर आप देखें एक्सपेंशन का एक जरिया होगा छोटे शहरों में। अच्छा सर ये बात जानना चाहूंगा कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एवरेज रेवेन्यू पर बेड कमांड करते हैं, अगर मैं जितने भी प्रीमियम मैं हॉस्पिटल चेन्स को देखूं आप अभी अप्रोक्सीमेटली 50,000 कमांड कर रहे हैं आप, ये ट्रेजेक्ट्री बहुत बस यही रहेगी या फिर इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो थोड़ी सी बदलती देखते हैं आप, इसमें ट्रेजेक्ट्री मोर और लेस क्या रहेगी अगले कुछ छह महीनों में साल भर में डेढ़ साल में? सो हम 58,000 कमांड कर रहे हैं और इसका रीजन ये नहीं है कि हम ज्यादा महंगे हैं, हम ऐसा नहीं है, इसका रीजन ये है कि हम ज्यादा सर्जरीज करते हैं, ज्यादा क्रिटिकल केयर करते हैं। किसी और हॉस्पिटल चेन के समान से अगर आप देखें आज की डेट में हमारा 30-32% टोटल बेड्स क्रिटिकल केयर बेड्स हैं और बाकी चेनों के 22-23% बेड्स क्रिटिकल केयर बेड्स हैं। कुछ 55-60% टोटल जो रेवेन्यू है हमारा वो सर्जरी से आता है और बाकी हॉस्पिटल चेन के बराबर में वो बहुत ज्यादा है, उनका ज्यादा मेडिकल से आता है, हमारा ज्यादा सर्जिकल से आता है। तो क्योंकि ये ज्यादा टर्शरी केयर हम करते हैं, जब भी सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो, लंग ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड और हाई वैल्यू प्रोसीजर्स होते हैं, तो जब भी हमारी एवरेज रेवेन्यू पर बेड हायर रहती है। आज की डेट में अगर आप देखिए ये जो हमारे नंबर्स हैं ये इस बावजूद के पूरा मेडिकल टूरिज्म जो बिजनेस है पूरा वापस नहीं आया और वो तो और भी बहुत ज्यादा हाई आरपॉप बिजनेस होता है क्योंकि जो लोग ट्रैवल करते हैं बाहर से वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स के लिए ट्रैवल करते हैं, इंडिया में कुछ छोटे मोटे प्रोसीजर्स के लिए नहीं करते, तो उनकी एवरेज बिलिंग ज्यादा होती है। तो जब भी अभी तो वो सिर्फ एक तिहाई वापस आया, जब दो तिहाई वापस आएगा बाकी बैलेंस जो प्री कोविड लेवल्स था, और हमारा ये मानना है कि साल के अंत तक ये होना चाहिए क्योंकि अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ओपन अप होने लग गई, तो फिर आप देखेंगे कि एवरेज रेवेन्यू पर बेड में और भी वृद्धि होनी चाहिए। अभय जी दो तीन प्रश्न जरा आपकी सर्विसेज पर करते हैं, ये बताइए मैक्स एट द रेट होम के किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स आता हुआ मिल रहा है, किस तरीके की मार्जिन्स आप वहां पर एंजॉय कर रहे हैं और इसका कितना विस्तार आपको अगले दो या तीन तिमाही में होता हुआ दिख रहा है? सो मैक्स एट होम हमारा एक्चुअली 4 साल पुराना बिजनेस है और 650 लोग हैं हमारे जो डिलीवर करते हैं ये बिजनेस, ये 4 साल से हम कर रहे हैं और इसमें काफी ग्रोथ रही है, लेकिन पिछले साल में कोविड के होते तो इसमें और भी ज्यादा वृद्धि हुई है क्योंकि बहुत लोगों ने होम केयर हमारा इस्तेमाल किया है, कुछ 3,000 लोगों को हमने कोविड पेशेंट्स को घर में ट्रीट किया, लेकिन इस बिजनेस में ग्रोथ उससे पहले भी रही है, लेकिन अवेयरनेस होम केयर की ये महामारी में बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बोथ डॉक्टर्स और पेशेंट्स के तहत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये आई थिंक होम केयर सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस होम केयर बिजनेस है इंडिया में और प्रॉफिटेबल है हमारे लिए, ये हाई टीन्स का एबिटडा है कंसिडरिंग ये अभी भी ग्रोथ फेज में है, हाई टीन्स का एबिटडा काफी ज्यादा माना जाता है और इसका ग्रोथ भी कुछ 100% है पर ईयर, सो ये बहुत फास्ट रेट पे ग्रो कर रहा है होम केयर बिजनेस। अभय जी इसकी इंडिविजुअल टॉप लाइन कितनी होगी मैक्स एट होम की? तो कुछ 140 करोड़ के करीब। चलिए तो 140 करोड़ आपका डबल डिजिट एबिटा में फिलहाल ग्रो करता हुआ दिख रहा है। अभय जी ये बताइए 65% आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रही ओवरऑल सन 2021 में, आगे आने वाली तिमाहियों में और फिलहाल ये नंबर कहां खड़ा हुआ है? देखिए महामारी से पहले भी 73% थी हमारी ऑक्यूपेंसी और ये महामारी के बाद अब देखिए तो कुछ 77-78% है और अभी तो पूरा हमारा इंटरनेशनल बिजनेस जैसे मैंने बताया आपको वो पूरा वापस भी नहीं आया। मेरे ख्याल से कुछ हमारे लिंक में दिक्कत आपको आती हुई दिख रही है, इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल आपके सामने जो मैक्स हेल्थ केयर का स्टॉक है अगर आप सन 2021 देखें तो आपने 140% रिटर्न कमाए हैं। अभय जी आपका संपर्क दोबारा स्थापित हुआ, आप बता रहे थे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में। हाँ जी, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन महामारी से पहले हमारी 73% थी, वो महामारी के बाद कुछ 76-77% हो गई है। जो आप 65% देखते हैं उसमें पिछले साल का फर्स्ट क्वार्टर भी था, जब जानते हैं आप कि पूरा लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे
ऑक्यूपेंसी सबकी 35% हमारी 30-35% हो गई थी। तो अगर हम वो पहला क्वार्टर पिछले साल का निकालते हैं तो हमारी ऑक्यूपेंसी कंसिस्टेंटली रही है 75% एंड प्लस, और अभी तो पूरा इंटरनेशनल बिजनेस वापस भी आना है तो उससे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और भी बढ़ेगी। लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारी कंसिस्टेंटली एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर आई थिंक 75% के करीब या उसके ऊपर ही रही। अभय जी, ये बात अक्सर कही जाती है कि मेडिकल टूरिज्म भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वो चीज कर सकता है जो आईटी सेक्टर ने 90 के दशक में या फार्मा सेक्टर आपको अभी करता हुआ दिख रहा है डॉलर कमाने के लिए। बताइए किस हिसाब से मेडिकल टूरिज्म या विदेशी पेशेंट्स जो मैक्स हेल्थ केयर में आते हैं उनका प्रतिशत कितना है रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन का, और आप क्या कदम उठाते हुए दिख रहे हैं कि ये प्रतिशत बढ़े। मैं ये मान के चलता हूं ये जो सर्विस होती है यहां पर आप ज्यादा मुनाफा कमाते हैं पर पेशेंट। देखिए, सबसे पहले ये जो आपने सबसे पहले ठीक बोला कि आईटी सेक्टर हो या कोई और सेक्टर हो, ये एक सेक्टर है जिसमें हमारा देश की हमारी कंपेटिटिव एडवांटेज सबसे ज्यादा है किसी और कंट्रीज से कंपेयर करें। अगर आज की डेट में भी हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है डॉक्टर्स का, नर्सेस का और मेडिकल टेक्नीशियंस का। हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं और 65% जो दुनिया की पॉपुलेशन है 7 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट से हम कनेक्टेड हैं। अब तो एयर इंडिया का आई थिंक प्राइवेटाइजेशन के बाद ये और भी चीज कनेक्टिविटी हमारी इंप्रूव हो जाएगी और ज्यादा लोग इस पर ट्रैवल करने लगेंगे इंडिया को। अगर आप इसका एडवांटेज देखिए, कॉस्ट एडवांटेज सिर्फ अगर देखिए तो जो यूएस में बाईपास $1,30,000 का होता है वही $1,00,000 का होता है यूके में, सिंगापुर जैसे देश में $35,000 का होता है, $22,000-23,000 का होता है थाईलैंड में, और बेस्ट हॉस्पिटल इंडिया में होता है अबाउट $5,000-6,000 तक। तो ये तो जो यूएस की कॉस्ट है उससे लेस 4% या 5% कॉस्ट पे है। हम आज की डेट में एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट चलाते हैं ल्यूकीमिया पेशेंट्स के लिए, जो दुनिया का पांचवा या छठा सबसे लार्जेस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर है, और जो हम चीज $35,000 में करते हैं वो ही चीज यूएस में सेम आउटकम्स के साथ एमडी एंडरसन में $8,50,000 में होती है। हम आज की डेट में हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं €70,000 का, यूरोप में 1.1 मिलियन यूरो का होता है वो। तो इतनी बड़ी इसमें कॉस्ट एडवांटेज है और वैल्यू एडवांटेज है हमारे पास इंडिया में, और हमारे इंडियन डॉक्टर्स के जो स्किल सेट्स हैं वो इतने, क्योंकि इतनी वॉल्यूम वो संभालते हैं तो इतने ज्यादा मतलब अच्छे हैं किसी और की कंपैरिजन में कि इसमें तो बहुत हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है। अब जैसे इसकी मैंने आपको यह भी बताया, इसकी बिलिंग इसलिए ज्यादा होती है इंटरनेशनल पेशेंट्स की क्योंकि कोई छोटी चीज के लिए नहीं आता है इंडिया, कोई कॉम्प्लेक्स चीज के लिए आता है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के लिए आता है सर्जरी के लिए इंडिया। किसी के अगर नी रिप्लेसमेंट है वो जरूरी नहीं है इंडिया है, लेकिन अगर उसको लिवर ट्रांसप्लांट कराना है या हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है या उसको कैंसर सर्जरी करानी है, जो उनकी देश में ये सारी स्पेशलिटीज नहीं है, इस सब चीजों के लिए लोग आते हैं, तो उस चीज की बिलिंग ज्यादा होती है। मैक्स हेल्थ केयर में 11-12% तक हमारी टोटल रेवेन्यूज इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म से आती है, लेकिन ये कुछ मेजर नहीं है। मेरे हिसाब से आगे जाके ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए, सिर्फ मैक्स हेल्थ केयर के लिए नहीं, पूरे सेक्टर के लिए, पूरे देश के लिए ये तो हमारा बहुत ज्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज है इसमें। सोहेल साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, और एक आभार और पूरी सीएनबीसी आवाज के परिवार की तरफ से, खासकर देखने वाले दर्शकों की तरफ से। सन 2021 बहुत ही परेशानी के जरिए हम लोगों ने गुजारा, और आप जैसे हॉस्पिटल्स, आप जैसे डॉक्टर्स और आप जैसे इंस्टीट्यूशंस ने ही भारतवर्ष को इस समस्या में संभाला और बाहर निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम लोग मान के चलते हैं कि आगे आने वाला समय भी शेयर होल्डर्स के लिए उतना ही अच्छा होगा जितना आपने पिछले 2 साल निकाले। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। वीरेन जी, चलिए, तो आप देख रहे थे मैनेजमेंट से खास चर्चा, स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आप देखें और रिजल्ट्स, और इनफैक्ट आप देखिए हम एक आउटलुक लेते हैं उनसे आने वाले वर्षों के लिए, और यह देखिए आपकी स्क्रीन पे 340/65 पे 2% ऊपर मैनेजमेंट की बातचीत करते करते अगर आप देखें, टिप्पणियां करते करते अपने एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर, मार्जिन्स को लेकर, आप स्टॉक को देख रहे हैं 341 की ट्रैजेक्टरी में आपको ट्रेड करता हुआ। मयूरेश, आपकी राय, अगर आप इस स्टॉक के प्राइस बिहेवियर को देखें तो वाकई अगर आप देखें पिछले
तीन महीने की जो प्राइस परफॉर्मेंस रही काफी स्ट्रॉन्ग रही, आपने मैनेजमेंट को सुना भी, आपका प्राइस टेक और आपका व्यू इस स्टॉक पे इस वक्त नेक्स्ट पे? बिल्कुल बहुत पॉजिटिव रहेगा आई थिंक, काफी आई थिंक चर्चा में नहीं रहता अपोलो और फोर्टिस की हम बार बार बात करते हैं, बट जैसे सॉय साहब ने कहा आई थिंक इनके जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड 50,000 रुपए से ऊपर है, फोर्टिस को कंपेयर करें तो 43,000 रुपीज है और अपोलो का जो हॉस्पिटल बिजनेस है वो 41,000 रुपीज है, डेट फ्री बैलेंस शीट है। जैसे शैलेंद्र जी ने उनको पूछा भी था मेडिकल टूरिज्म के बारे में, आई थिंक 2019 में 7 लाख टूरिस्ट आए थे एंड ग्रोइंग एट 30%, तो जैसे कोविड खत्म हुआ है हाई मार्जिन बिजनेस है अलॉन्ग विद मैक्स एट द रेट होम, इसके लिए इनके जो आई थिंक प्री टैक्स आरओई आरओसीज रहते हैं बिरू जी ये 30% के आसपास है कंपेयर टू 23-24 फॉर अपोलो एंड अराउंड 10% फॉर फोर्टिस हेल्थ केयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो लैंड बैंक ये कर रहे हैं कि पास लैंड बैंक जो है नानावटी हॉस्पिटल जो बंबई में रहते हैं उनको पता होगा जू साइड पे और जो 1000 बेड्स गुरुग्राम में डाल रहे हैं, इनका जो एक्सपेंशन है ब्राउन फील्ड का और जो पर कॉस्ट पर बेड डिप्लॉय करेंगे फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल्स प्री टैक्स आरओसीज 26-27% पे आएंगे, तो मुझे लगता है आई थिंक डेट फ्री बैलेंस शीट है, मेडिकल टूरिज्म ऑन द राइज है, दे आर प्लेस्ड वेरी वेरी अप्रोप्रिएटली अर्बन सिटीज में बोथ मेडिकल टूरिज्म एंड बेटर एबिटा मार्जिन एज वेल एज हेल्थ केयर इज कंसर्न फॉर आउट पेशेंट्स, तो मुझे लगता है काफी अनचित स्टॉक रहता है बट इसको जरूर फोकस में रखें। 350 एक रेजिस्टेंस है क्योंकि अगर 21 और 50 है एज पर यूनियन मेथोडोलॉजी, मगर अगर ये क्रॉस हुआ तो मुझे लगता है आई थिंक 425-450 इज ऑल्सो पॉसिबल। 400 रुपए के आसपास आप मैक्स हेल्थ केयर को जाते हुए देख सकते हैं अगर पोजिशनिंग ये 350 के ऊपर बंद होता है। मयूर जी, वीरेन जी और मैं तो दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं, वहां पर हमें 17-17 एकड़ के प्लॉट्स दिखते हैं हॉस्पिटल्स के और बड़ी बड़ी चीजों के, नानावती हम लोगों ने देखा है जूहू में, वो तो बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है लेकिन बात अगर जगह की है तो वो आपको दिल्ली में बहुत ज्यादा दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल चल सर, तो आई थिंक इनकी एक 4 एकड़ की जमीन है नानावटी में फिर नॉट सेकंड और यहाँ पे 400-500 बेड बना रहे हैं जी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे दो मित्र और जुड़ते हुए दिख रहे हैं इस मोमेंटम को ट्रैक करने के लिए, स्वागत करते हैं रचना जी का और नमस्कार करते हैं श्रीकांत चौहान साहब को। रचना जी पहले आप बताइए कहाँ मोमेंटम ट्रैक कर रही हैं? जी मेरी इस मोमेंट पे नजर जो है वो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे है, इसके फ्यूचर से आज बहुत दिनों के बाद एक टर्न लिया है और इसीलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, शार्प फॉल था इससे पहले सो प्रोबेबिलिटी है कि फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। 946 का फ्यूचर से ऐसा सस्टेन होगा तो ऊपर वाली साइड पे जिसके अंदर टूवर्ड्स 970 और 977। क्या बात है, तीन डिजिट में वापसी आपको आती हुई दिख रही है गोदरेज कंज्यूमर की, जरा इसके दर्शन करते हैं एक लंबी अवधि के चार्ट पे। और आप रचना जी को अक्सर बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड खेलते हुए देखते हैं, आप देखिए कि 7 दिन की गिरावट जो आपके सामने स्क्रीन पर विदित है एक बहुत ही बढ़िया कैंडलस्टिक चार्ट में, यहां पर अब एक बढ़िया रिवर्सल ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है 960 का प्राइस। रचना जी क्या आपने यहां पर टारगेट सेट किया है? 970 या 977। चलिए तो 977 के लिए आप यहां पर एक बढ़िया स्विंग ट्रेड लेते हुए दिख सकते हैं। साथ ही साथ श्रीकांत चौहान साहब को जोड़ते हैं, नमस्कार श्रीकांत जी, बताइए आप कहां निशाना साध रहे हैं? नमस्कार सर जी, देखिए हमें लगता है कि कल के दिन में हमने अगर अगर किसी स्टॉक में अगर कोई बड़ा जंप अगर देखा हो तो वो यूएस मार्केट्स में था, यानी नैस्डैक में था टेस्ला, और यहाँ पे हमें लगता है कि अगर एक्टिविटी बनेगी या तो अगर मोमेंटम बनेगा तो वो टाटा मोटर्स में बिल्कुल बन सकता है। और इनफैक्ट अगर आप पिछले 4 या 5 दिन में अगर आप अपनी मार्केट की पोजीशन को देखते हो तो मार्केट एक 600 पॉइंट करेक्ट हुआ है लेकिन टाटा मोटर्स अगर आप देखें तो काफी अनअफेक्टेड है, ये 500 के करीब था, आज भी 500 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है वो काफी स्ट्रांग है। और आज के दिन में जैसे ही इसमें थोड़ी सी बढ़त हमने देखी है तो वॉल्यूम्स भी बढ़ गए हैं, तो करंट लेवल से टाटा मोटर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। शैल जी 500-502 के करीब मिल रहा है, इसे बाय करके चले, यहाँ पे हम टारगेट्स रखेंगे सबसे पहले जो उसके प्रीवियस हाइज थे यानी कि 530 के, उसके बाद हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक 555 से लेकर 560 के भी लेवल्स दिखा सकता है और जो स्टॉप लॉस है वो आज के लोज है तो तकरीबन हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं अराउंड 485, तो थोड़ा पोजिशनल ट्रेड बनाए लेकिन इसमें हमें लगता है कि काफी अच्छी गुंजाइश है अच्छे पैसे बनने की।
टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पे 592 पे, अभी एक डेडिकेटेड डिस्कशन हमारा इस कार्यक्रम में हुआ है इसी स्टॉक पे। और फिर आप देखिए एक और चीज, मेरे स्क्रीन पे 3-4 स्टॉक जो कि डीहाइवे फ्लो करते हुए, अभी गोदरेज कंज्यूमर की रचना जी टिप्पणी करी 2 बजे एग्जैक्टली, और आप देखें ये ओआई समरी इंडिकेट कर रही थी कि एफएमसीजी आज एक सीरियस पुलबैक मोड में है। कोलगेट डीहाई पे, गोदरेज सीपी डीहाई पर, एक बार आप बैंकिंग की रोलओवर्स की शीट को देखिए, और आपको मैं रोलओवर्स की शीट दिखाता हूं यहां पे। टॉप रोलओवर्स इन बैंकिंग, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 57%, आरबीएल 57%, इंडसइंड बैंक 55%, बंधन बैंक 53%, ये टॉप रोलओवर्स हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे टिप्पणी हुई, आरबीएल और इंडसइंड बैंक पे राजेश पालवे जी, इन दोनों स्टॉक्स पे आपकी अप्रोच या फिर कोई फ्यूचर्स की अप्रोच या ऑप्शंस की अप्रोच इसमें से पकड़ना चाहेंगे आप? दोनों स्टॉक्स के रोलओवर्स को देखिए आप। वीरेन जी देखिए, बिल्कुल आरबीएल बैंक में भी लोअर साइड से काफी अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दिखाई, हालांकि स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर था, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने जो एक रिकवरी लोअर साइड से बनाई है वो ये दिखाता है कि स्टॉक में ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 225 की तरफ ये स्टॉक हमें लगता है कुछ ट्रेडिंग सेशन में बढ़ता हुआ दिखेगा, तो जिनकी भी पोजीशन है वो पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे 207 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, और इमीडिएट टारगेट जो हमें लगता है वो आना चाहिए करीब 220 से 226 तक के, तो ये दो टारगेट के लिए आरबीएल बैंक को बाय किया जा सकता है। बंधन बैंक का भी सेटअप देखें तो स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस था, लेकिन पिछले दिनों में एक रिकवरी जरूर देखने को मिली स्टॉक में, बट अगर हम आरबीएल और बंधन बैंक के सेटअप को कंपेयर करेंगे तो आरबीएल बैंक का स्ट्रक्चर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, और हमें लगता है आरबीएल बैंक के साथ जाना चाहिए, बंधन बैंक को अभी अवॉइड करना चाहिए टाइम बिंग के लिए। 315-318 ये रेंज जब तक क्रॉस नहीं करता क्लोजिंग बेसिस पे बंधन बैंक, हमें लगता है थोड़ा सा उसके लिए वेट करना चाहिए। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आरबीएल बैंक पर बनती हुई दिख रही है। वीरेन जी, मेरे ख्याल से एक दो स्टॉक्स जरा स्क्रीन पर हम लोग चेक कर लेते हैं। यहां पर एक बढ़िया मोमेंटम टोरेंट पावर में बनता हुआ दिख रहा है, 503 का प्राइस आपके सामने ये स्क्रीन पर चलता हुआ दिख रहा है। इस काउंटर पर हम लोग कम चर्चा करते हैं, लेकिन एक नजर जरा जरूर डालते हैं। ये देखिए 2% ऊपर ये काउंटर आपके सामने 503 पर फिलहाल स्क्रीन पर चलता हुआ दिख रहा है। पालवे साहब, ये प्रश्न आपके लिए है, लगभग 4.25 लाख शेयर यहां पर ट्रेड हो चुके हैं, और एग्जैक्टली वही पोजीशनिंग, 10 दिन की गिरावट और एक बढ़िया स्विंग ट्रेड बनता हुआ, बताइए क्या कीजिएगा? जी शैल जी, एग्जैक्टली स्टॉक ने 50-डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके अब ये बाउंस दिया है, और ये वापस अपने 20-डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को अप्रोच करते हुए दिख रहा है, जो कि है करीब 510 के आसपास। हमें लगता है ये मोमेंटम जो बना है 50-डे मूविंग एवरेज से, ये अब ये 510 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है, अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो हमें लगता है जो इसका एक ट्रेंड था वापस रिज्यूम होते हुए दिखेगा, स्टॉक में फिर हायर साइड के टारगेट बनना चाहिए 525-530 तक के। तो लोअर साइड पे जिन्होंने पोजीशन बनाया या करंट लेवल में भी पोजीशन बना रहे, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे करीब 496 के आसपास का, पहला टारगेट है 510, उसके बाद ये स्टॉक में 535 तक की भी अपसाइड आते हुए दिख सकती है। चलिए, तो टोरेंट पावर पर आप देखें तो आपका ये व्यू है, और अच्छा मूव देता हुआ टोरेंट पावर, अच्छा सब्सटेंशियल मूव इस स्टॉक में नजर आ रहा है। एक बार अभी कुछ देर पहले जब मैक्स की हमने चर्चा की थी, मैक्स से काफी डिटेल डिस्कशन हुआ, जरा प्लीज आप स्क्रीन पे देखिए मैक्स को, क्या स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस डे हाई की डिजिटरी में आकर ट्रेड करता हुआ। लेकिन अब याद रखिएगा, ये हफ्ता अर्निंग्स के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, भारी है, और एक से एक नंबर आने हैं। अब सुमित से हम एक एक करके दिग्गजों पर बात करेंगे, मारुति, एलएनटी, आईटीसी, टाइटन और टाटा पावर, इनके नंबर्स ड्यू हैं। सुमित एक एक करके बताएंगे कि ये नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड हैं। पहले शुरुआत करते हैं मारुति से। सुमित, मारुति और एक्सपेक्टेशन क्या है बताइए। कल का दिन काफी हैवी व्यू, करीब करीब 11 एफएनओ कंपनीज के नंबर और 8 निफ्टी कंपनीज के नंबर है, कुल मिलाकर 10-11% के आसपास की वेटेज होती है। अच्छा, टाटा पावर इसका आपने जिक्र किया, अभी इसका एस्टिमेट तो किसी ब्रोकर के पास नहीं है तो उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ शुरुआत में मारुति जो आपने की उसी के साथ करूंगा। मारुति के केस में ये अनुमान है कि शायद इस क्वार्टर के नंबर भी थोड़े से ढीले रहे, एक वीक साइड पर नंबर आ सकते हैं, और मार्केट नंबर से ज्यादा जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसको की वॉच कर रहे हैं, किस तरह के आंकड़े वहां पर आते हुए दिखाई पड़ते हैं।
मारुति के केस में जो अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है कि रेवेन्यूज तो बोल रहे पॉजिटिव साइड पर आएंगे 19,335 करोड़ रुपए के आसपास का एक आंकड़ा आएगा, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस वीक होगी, 1933 करोड़ से घटकर सीधे 1,091 करोड़ रुपए के आसपास का एक आंकड़ा होगा। दो तीन फैक्टर, पहला तो जो चिप का शॉर्टेज, हायर इनपुट कॉस्ट, वो कंपनी के लिए फैक्टर इन करेंगे, प्राइस हाइक ना कर पाना, ये कुछ ऐसी चीजें इसको फर्दर मार्जिन के ऊपर और प्रेशर डालेंगे, इसीलिए 5.5% के आसपास मार्जिन होंगे। हाई बेस 11% के मार्जिन के सामने सिक्वेंशियल बेसिस पर भी मार्जिन लगातार डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा और इस बार भी यहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मुनाफे फ्रंट पे करीब करीब 44% डिक्लाइन का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है, 767 करोड़ रुपए का आंकड़ा होगा जो कि पिछले साल इस तिमाही में 1371 करोड़ था, तो 4 डिजिट से 3 डिजिट में कंपनी का मुनाफा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 4-5 चीज बहुत ही क्रूशियली इनकी कॉल्स में सुना जाएगा, पहला तो मार्केट शेयर कैसे होल्ड कर पा रहे हैं, इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट क्या है, चिप शॉर्टेज के ऊपर कंपनी क्या कहने वाली है, नवरात्रों और त्योहारों में इनकी बिक्री कैसी है, ये कुछ 4-5 चीजें हैं जिसको बहुत कीनली बाजार वॉच करेगा। तो ये नंबर्स के साथ साथ इस कमेंट्री के ऊपर आप नजर रखें, लेकिन अब तक बाजार वीक साइड पे ही नंबर अनुमान लगाकर चल रहा है। मारुति पे अगर आप देखें, वीक साइड पे नंबर अगर आप देखें, बाजार अनुमान लगा के चल रहा है, आपकी स्क्रीन पे आप देखिए मारुति करीब करीब 7283 की डायरेक्टरी में, और ये जो अंडर परफॉर्मेंस है ना वो इसलिए भी खलती है क्योंकि इसी दौर में अशोक लेलैंड को देख लीजिए आप, इसी दौर में आयुषी को देख लीजिए, इसी दौर में आप टाटा मोटर्स को देख लीजिए, इसी दौर में आप M&M को देख लीजिए, क्या स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस रही है। बहुत संक्षेप में इस चार्ट पर एक टेक चेक लेते हैं, पालवे साहब आपकी अप्रोच क्या रहेगी मारुति पे एट 7823, आपका व्यू क्या है मारुति पर? वीरेन जी, स्टॉक में जरूर एक प्रेशर देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में, स्टॉक करेक्ट हुआ करीब 7,800 के आसपास, लेकिन ये स्टॉक में अगर हम इसको ओवरऑल एनालाइज करें वीकली सेटअप के हिसाब से, अगर हम इसको देखें तो स्टॉक 7,000 के आसपास इसमें काफी मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर कोई भी वोलेटिलिटी में डिप मिलती है करीब 7,000 के आसपास अगर ये स्टॉक अवेलेबल होता है तो बिल्कुल वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसको देखें तो काफी महीनों से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है और इसका ब्रेकआउट लेवल जो है हायर साइड के वो है 7,800 और 8,000 की रेंज में। हमें लगता है कि ऑलमोस्ट सभी ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में एक कंसोलिडेशन का नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट होते हुए दिखा है, एक मारुति का ही स्टॉक है जहां पे अभी भी ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं, नंबर के चलते अगर कुछ भी पॉजिटिव बनती है या जो भी अगर डिप मिलती है तो वो अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। 7,000 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो हम इसमें बिल्कुल बाय करने की सलाह देंगे, 6,900 का स्टॉप लॉस रखेंगे। अपसाइड के हमें पहले टारगेट जो लगते हैं वो आना चाहिए करीब 7,800 तक के, वो ब्रेकआउट होता है स्टॉक में फिर एक बड़ा अपमूव जो कि इसको 8,400 की तरफ भी लेके जा सकता है, तो हमारा व्यू पॉजिटिव है, डिप्स में बाय करने की सलाह देंगे। चलिए, ये रणनीति मारुति पर आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिख रही है। 2:55 हो चुके हैं, डायरेक्टर साहब प्रस्तुत करेंगे L&T का चार्ट। ये काउंटर 4 दिन की गिरावट के बाद आपके सामने 1794 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और यहां पर नतीजे आपके सामने कल आते हुए दिखेंगे, क्या अनुमान है बताएंगे सुमित जी। शैल सर देखिए, L&T केस में अब तक सारी सब्सिडरीज के परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रही, माइंडट्री, L&T, इन्फोटेक, L&T टेक, तीनों की तरफ से बहुत ही रोबस्ट नंबर आया है, तो बाजार ने ये आंख लिया है कि शायद इनके कंसो नंबर्स में ये कारोबार तो एटलीस्ट या ओवरऑल नंबर जो है वो तो बेटर साइड पर आएंगे। अगर स्टैंड लोअर L&T खाली नंबर्स की बात की जाए तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इनके EPC कारोबार के अंदर एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ेगी, एग्जीक्यूशन इंप्रूव होगा क्योंकि जो रिलैक्सेशन हुआ और अनलॉक हुआ उसकी वजह से इनका कामकाज थोड़ा सा बेटर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑर्डर इनफ्लोज रफली 12,500 लोअर एंड पर, मिडिल एंड पे करीब 15-17,000, हायर एंड पे 22-25,000 तक के, 25,000 करोड़ तक के जो ऑर्डर इन्फ्लोज है उसकी बातचीत है, 3.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की ऑर्डर बुक है। मार्जिन मोर लेस फ्लैट साइड पे कंपनी के रहेंगे क्योंकि थोड़ा सा इनपुट कॉस्ट का एक इंपैक्ट जरूर है, लेकिन ओवरऑल जो हायर मार्जिन वाले ऑर्डर्स उनको कंपनी ने ठीक से एग्जीक्यूट भी किया है। नेट प्रॉफिट करीब करीब 36% बढ़ने का अनुमान है, 1985 करोड़ रुपए आएगा, लेकिन सबसे अहम चीज यही है कि स्टैंड ऑन कारोबार में तो बेटर साइड पर नंबर है ही, कंसो कारोबार के नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं और L&T और बढ़िया एक तेजी दिखा भी चुका है, तो एक ऐसे जंक्चर पे कहना मुश्किल है किस तरह से स्टॉक रिएक्ट करेगा अच्छे नंबर्स के बाद। चलिए, तो यहां पर इनकी सब्सिडियरीज ही L&T का नाम इतना रोशन कर रही हैं कि कंपनी को ज्यादा चिंता नहीं है स्टॉक रिकॉर्ड हाईस के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ। एकदम जुड़ते हैं यहां पर असित जी से, उनके पास एक शानदार कॉल है जो वो स्क्रीन पर शेयर आपको करते हुए दिखेंगे। असित जी, मैं टाटा स्टील में बुलिश हूँ। मैं टाटा स्टील का नवंबर महीने का अगर 1360 का कॉल देखेंगे, ये 70 रुपए में चल रहा है,
आई थिंक अगर इसको हम स्टॉप लॉस लेके अराउंड 60 रुपीज लेके चलेंगे, मुझे लगता है कि 100-120 तक हमें दिखा सकता है। टाटा स्टील में मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग डील है, 1300 के ऊपर जिस हिसाब से ट्रेवल किया है काफी अच्छा है, कॉल रेटर्स इसमें। एंड मेटल सेक्टर में जिस हिसाब से रैली देख रहे हैं, टाटा स्टील में एक अच्छा मूव रह सकता है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, बट आई थिंक यू नो 30-35 रुपए का आराम से हमें रैली देख सकता है। तो रेसि वर्ड अच्छा है तो टाटा स्टील का 1360 का कॉल मैं लेना चाहूंगा नवंबर महीने का। एंड इफ आई मे आर्ट मैं बजाज फाइनेंस का 8000 का कॉल ऑल्सो आई एम लॉन्ग, इसका रिजल्ट आ रहा है इट कुड बी रिस्की ट्रेड, बट मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में जिस हिसाब से वॉल्स क्यू बना है, जिस हिसाब से डेटा बन रहा है, मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में एक रैली रहेगा इसमें। मे बी द स्ट्रीट इज एस्टिमेटिंग पॉजिटिव नंबर्स, अगर इसको ओवरनाइट कैरी करेंगे तो 130-120 का स्टॉप लॉस देख सकते हैं, मुझे लगता है 250-220 का हमें देख सकते हैं बजाज फाइनेंस में। सो बजाज फाइनेंस एंड टाटा स्टील में मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। बजाज फाइनेंस और टाटा स्टील ये दो स्टॉक्स हैं ऐसे जिसमें आप लॉन्ग जाना चाहेंगे। और बजाज फाइनेंस देखिए स्ट्रॉन्ग भी है, स्टेबल भी, शुरू भी एक स्विंग दिया था, लेटर हाफ में भी एक स्विंग देता हुआ, और टाटा स्टील की तो चर्चा हमने की, टाटा स्टील आज क्रिटिकल एवरेजेस को पार करके ऊपर आता हुआ। तो आपके दो ट्रेड्स हैं और बजाज फाइनेंस की 8000 की कॉल 156 पे बाय कर सकते हैं आप। अब जरा थोड़ा सा ना अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अब आ रहा है एक बड़ा नंबर, बड़ा नंबर वो जिसने दो सीरीज से तहलका मचा रखा है और उसके 40 रुपए ने सबको हिला दिया, और वो था आईटीसी। सुमित, आईटीसी से क्या एक्सपेक्टेशन है? हाँ, 40 रुपए का मूव, ये बात आपने सही की, बहुत बढ़िया मूव उसमें हाल फिलहाल में देखने को मिला है। और उस मूव के बाद मार्केट ये अनुमान लगाकर चल रहा है कि शायद नंबर्स मोर लेस मिक्स बैग ही दिखाई पड़ेंगे। एफएमसीजी कारोबार में जो नंबर्स रिसेंटली आए, चाहे वो एचयूएल के हों या बाकी एफएमसीजी कंपनीज के नंबर हों, वो मोर लेस फ्लैट टू निगेटिव साइड पे आया है। कोलगेट भी इनफैक्ट जो कल नंबर पेश कर दिया, वहां पर भी वॉल्यूम डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये मान के चल रहा है कि शायद एफएमसीजी कारोबार में एक डिप आता हुआ दिखाई पड़ा आईटीसी केस में। अच्छा, इनके जो सिगरेट कारोबार है, वॉल्यूम ग्रोथ 9-10% की ग्रोथ की बातचीत है, जो पिछली तिमाही में करीब करीब 32% थी और पिछले साल इस तिमाही में -12% थी। तो ब्लो बेस के सामने बढ़िया ग्रोथ दिखेगी, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे डिप आने का अनुमान वॉल्यूम फ्रंट पे लगाया जा रहा है। रेवेन्यूज 15% बढ़ने का अनुमान है, 12,875 करोड़ रुपए के आसपास के वॉल्यूम होंगे। EBITDA 15.5% के आसपास यहां पर भी बढ़ सकते हैं। मार्जिन मोर लेस फ्लैट, बिल्कुल अनचेंज कह सकते हैं। और मुनाफे फ्रंट पे 15-15.5% के आसपास की बढ़त रहेगी वाईओवाई बेसिस पर, एक लो बेस की वजह से ये नंबर आते दिखाई पड़ेंगे। दो तीन चीजें यहां पर भी क्रूशियल है, क्योंकि इनके केस में होटल बिजनेस जो है वो शायद अच्छा परफॉर्म करके जाएगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। पेपर स्पेस में जो प्राइस हाइक किए गए थे उसका एक अच्छा रियलाइजेशन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एफएमसीजी कारोबार थोड़ा सा सब्ड्यूड होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और सिगरेट कारोबार थोड़ा सा सब्ड्यूड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। फर्दर एक्सपेंशन, फर्दर प्लान्स कंपनी के सेकंड हाफ को लेकर रणनीति, ये कुछ चीजें हैं जिसको बाजार बहुत कीली वॉच करेगा। लेकिन हां, वाईओवाई बेसिस पर नंबर्स बेटर दिखेंगे, सीक्वेंशियली फ्लैट साइड पर मान के चले। रणनीति आईटीसी पर आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, जरा एकदम यहां पर जोड़िए पालविया साहब को, दो स्टॉक्स मेरे सामने स्क्रीन पर बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले आप प्रस्तुत कीजिए अशोक लेलैंड का कैंडलस्टिक चार्ट। ये काउंटर बिल्कुल कदम मिला के आपको चलता हुआ दिखेगा टाटा मोटर्स के साथ। पोजिशनली पालविया साहब, अशोक लेलैंड पर टिप्पणी कीजिए 142.40, और यहां पर हम लोगों ने 5 दिन पहले जो हाइएस्ट लेवल था वो था लगभग 150 का। सो बिल्कुल श्याम जी, ये स्टॉक को बाय करना, और पोजिशनली हमें हमारे टारगेट जो है स्टॉक के वो है करीब 165-170 तक के। और अगर ये स्टॉक को अगर हम एनालाइज करें, जो पिछले दिनों में वोलेटिलिटी थी, तो स्टॉक में जो सप्लाई था वो करीब 135 के आसपास सारा सप्लाई एब्जॉर्ब होते हुए दिखा स्टॉक का। तो ये दिखाता है कि स्टॉक में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई थी इस वोलेटाइल मार्केट में भी। अब मार्केट जैसे रिकवर हुए हैं तो ये वापस अपने सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक को बिल्कुल यहाँ से बाय करना चाहिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा इसका 135 का, टारगेट होंगे इसके 155-160 तक के। ये रणनीति आपके सामने अशोक लेलैंड पर आती हुई दिख रही है। एक टिप्पणी अशोक लेलैंड पर हम लोग लेते हैं श्रीकांत चौहान साहब से, क्योंकि उन्होंने टाटा मोटर्स पर एक बढ़िया कॉल दी थी। बताइए श्रीकांत जी, कैसा लगता है चार्ट पर अशोक लेलैंड आपको? बिल्कुल, इनफैक्ट जैसे भी राजेश जी ने बताया, मुझे भी लगता है कि ये जो स्टॉक है उसमें काफी अच्छा ट्रेंड बनते जा रहा है। और अगर इसमें इसके जो पिछले
तकरीबन 6 से 8 महीने के कंसोलिडेशन को काफी कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है। तो एक बात तय है कि इसके जो प्रीवियस हाइज थे 165 के, उसके बिल्कुल करीब ये जा सकता है। और अगर आप इसके मंथली चार्ट को देखते हो शहर जी, तो इसमें एक वी शेप पैटर्न बना है जो इंडिकेट करता है कि 165 के बाद भी ये स्टॉक और चल सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट 165 का भी भाव आना बड़ी बात है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है 142-143 के करीब। यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो 1 या 2 दिन के जो लोज बने थे, जो पैनिक लोज बने थे, हमें उसे एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करना है। तो 135 का स्टॉप लॉस रखें और 165 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए बिल्कुल करंट लेवल से लॉन्ग करें। चलिए अशोक लेन आपने टिक देखा और टाटा मोटर्स और अशोक लेन, ये दो चार्ट्स इस वक्त वाकई काफी काफी अगर आप देखें अच्छी स्थिति में है। अब एक काम करते हैं, चलते हैं और विषय को थोड़ा बदल के बात करते हैं डीलर्स के मूड की, सेंटीमेंट की और उनके व्यूज की, और इसको रोज बरोज पेश करते हैं यतिन। यतिन मौजूद है हमारे साथ। यतिन, आज सेंटीमेंट डीलिंग रूम में था कैसा और लॉन्ग शॉर्ट पे कैसे अगर आप देखें कॉम्बिनेशन में डीलर्स काम कर रहे हैं और स्पेशली लॉन्ग के थॉट्स कहां पर है? देखिए वीरेंद्र, जहां तक की डीलिंग रूम्स का सवाल है, जो स्टॉक वो आज के सत्र में रेकमेंड कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है ITC, क्योंकि नतीजों के पहले पहले यहां ओपन इंटरेस्ट में लगभग 11% का इजाफा हुआ है, तेजी की तरफ लॉन्ग बिल्डअप यहाँ देखे गए हैं। डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ पे एक BTHT की रणनीति देख सकते हैं, 240 का एक इसका साइकोलॉजिकल लेवल है और उसके ऊपर आपको 3-4 रुपए और ट्रेडिंग के लिहाज से तेजी में मिलने चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तो यहाँ वो खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ITC के अलावा बंधन बैंक एक ऐसा शेयर है जहां ट्रेंड काफी वीक है। पूरे बैंकिंग सेक्टर की अगर आप बात करें तो बंधन बैंक ने काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस किया है। तो डीलिंग रूम्स यहाँ एक पोजिशनल शॉर्ट कॉल अपने क्लाइंट्स को करवा रहे हैं, क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल है तो शॉर्ट ट्रेड्स भी वो इक्वली वेट दे रहे हैं। 290 से लेकर 295 के लोअर लेवल्स पे टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं पोजिशनली, ऐसा उनका मानना है। और आज के सत्र में भी अगर आप ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस कर लें तो काफी अच्छे शॉर्ट पोजीशंस यहां आपको करंट सीरीज और नेक्स्ट सीरीज में देखने को मिले हैं बंधन बैंक में। बंधन बैंक में आप देखें शॉर्टिंग और साथ ही साथ व्यू ये है और ITC पर स्ट्रॉन्ग व्यू है रिजल्ट्स के मद्देनजर। वाई समरी काफी स्ट्रॉन्ग है याद रखिएगा ITC के। चंदन तापड़िया अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए और बंधन बैंक पे एक व्यू उनका भी लेते हैं, लेकिन इस बीच याद रखिएगा आज जो स्टॉक इस वक्त सीमेंट स्पेस में तहलका मचा रहा है वह है रामको सीमेंट। लुक एट रामको, करीब करीब 1017 पे। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मात्र एक सेशन की आज की इस कैंडल में इस स्टॉक ने आप समझ लीजिएगा कि अपने 20 सितंबर से लेकर अब तक की पूरी प्राइस चैनल को पार कर दिया, इंप्रेसिव बिहेवियर। और अभी एक चार्ट का जिक्र कुछ देर पहले शैल जी ने किया था, अशोक लेन 143.90 डे हाई पर। आपकी राय चंदन इस वक्त क्लोजिंग पर? इट्स अ डीसेंट क्लोजिंग, आई थिंक 107 अंक ऊपर, मार्केट नीचे सेटल नहीं हुआ, ऊपर की तरफ आके ट्रेड करता हुआ। कोटेक के नंबर्स ने एडवांटेज दिया, शॉर्ट कवरिंग, टाटा सबो के स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का, क्या चीज करना चाहते हैं आप इस बाजार में इस वक्त? जी वीडियो देखिए, बाजार ने पिछले जो 4-5 दिन के जो लोअर हाई लोअर लोज बन रहे थे डेली चार्ट में वो निगेट किए हैं, और जिस हिसाब से 18,250 के आसपास मंडरा रहा है उसके ऊपर जो इमीडिएट नेगेटिव ट्रेंड है वो निगेट होता है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्टेंस यहाँ पे वापस बन रहा है। 18,150 के सपोर्ट से यहाँ पे 18,350 18,400 तक के बाउंस बनने चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे सिलेक्टिव काउंटर्स है जहाँ पे पॉजिटिव है, टाटा मोटर्स काफी अच्छा लग रहा है। और देखिए इस सीरीज में लगभग 50% की गेन बनी है तो काफी बड़े शॉर्ट्स अभी भी है यहाँ पे, शॉर्ट कवरिंग के मोमेंटम एज एक्सपायरी वीक में इसलिए यहाँ पे बनेंगे। तो हमारा मानना है कि टाटा मोटर्स कंटिन्यू रहेगा इस मोमेंटम में, 500 के सपोर्ट से यहाँ पे लगभग 525-527 तक के लेवल बनेंगे। उसके अलावा हमारा मानना है कि एक मोमेंटम बनेगा आपको आदित्य बिरला फैशन रिटेल में ABFRL, 3-4 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के साथ में एक मेजर वापस सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पे 253 के सपोर्ट बनेंगे ऊपर में लगभग 275 तक के अपसाइड के लिए। तो टाटा मोटर्स ABFRL दो ट्रेड रहेंगे। उसके अलावा आपने वीडियो यहाँ पे बंधन बैंक में बात की थी, वहां पे हमारा मानना है कि वीकनेस रहेगी। चलिए तो इन तीन स्टॉक्स को आप चंदन जी को डिस्कस करते हुए देख रहे हैं और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का डिस्क्लेमर आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ। चंदन जी, हम लोग काफी अच्छा मोमेंटम निफ्टी में ट्रैक कर रहे हैं, आपको हमेशा की तरह 18,200 की लॉन्ग कॉल बहुत पसंद आती हुई दिख रही थी, अब बताइए
इतने दिन की गिरावट के बाद अब ये हरा निशान शायद कंटिन्यू करता हुआ दिखे, क्या 18200 इन द मनी पसंद आ रही है या यहाँ पर आप थोड़ा डेल्टा सर्फिंग करेंगे और ऊपर की कॉल्स को भी ध्यान देंगे? नहीं, आप 18200 की कॉल ले सकते हैं क्योंकि अब दो दिन और बचे इस वीकली एक्सपायरी में और हमारा मानना है कि मौजूदा लेवल से 100 पॉइंट तो स्विंग यहाँ पे बन सकते हैं, तो उस कंडीशन में लगभग 70-80 पॉइंट का मोमेंटम इस 18200 की कॉल में देखने को मिलेगा। और 4-5 दिन का 600 पॉइंट का निफ्टी का करेक्शन अब कंप्लीट हो रहा है और जिस हिसाब से सेलेक्टिव काउंटर यहाँ पे सपोर्ट करे अपटिक बनना चाहिए, तो अभी लगभग 128 के आसपास 18200 की कॉल चल रही है, आप ले सकते हैं। 90 रुपए के स्टॉप लॉस से 195 में से 200 रुपए तक के टारगेट लगा सकते हैं। चलिए, तो ये रणनीति चंदन जी की कायम है और यहां पर आपको खरीदारी की राय इसलिए बन रही है क्योंकि डायरेक्टर साहब दो तीन चीजें दिखाइए, निफ्टी का कैंडलस्टिक चार्ट और निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। पिछले चार दिन से हम लोगों ने लगातार बिकवाली देखी है, 18604 से निफ्टी लगातार चार दिन गिरा और आपने न्यूनतम लेवल देखा 17970 का, अब कम से कम कुछ सांस आती हुई और ये तेजी दिन भर आपने कायम देखी है, तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि एक बढ़िया स्विंग ट्रेड आपके सामने लॉन्ग साइड पर बनता हुआ दिख रहा है। और चंदन जी ने हवा दी और निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल 18291 पर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अब आपके सामने हम लोग दो चार्ट प्रस्तुत करते हैं और यहां पर जो स्विंग ट्रेड है वो देखते ही बनते हैं। डायरेक्टर साहब मर्जी आपकी है, पहले प्रस्तुत कीजिए चाहे एशियन पेंट्स या प्रस्तुत कीजिए जुबिलेंट फूड्स। 5-7 दिन की गिरावट के बाद जो कि इनकी तिमाही नतीजों के बाद आती हुई दिखी है, आप यहां पर एक बढ़िया स्विंग ट्रेड बनते हुए देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट दोनों कंपनीज का आप प्रस्तुत कीजिए, एक बढ़िया मूव यहां पर आप लोग ट्रैक कर पाएंगे। ये देखिए जुबिलेंट फूड्स 4+3 7 दिन की गिरावट और एशियन पेंट्स काफी लंबी गिरावट, एक बढ़िया स्विंग ट्रेड यहां पर बनता हुआ। चंदन जी, ये प्रश्न आप ही से है, बताइए इन दोनों में आपको ज्यादा कौन सा पसंद आता है? बिल्कुल सर जी, देखिए निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम बनेगा, उसके अलावा जितने भी बीटन डाउन नेम है सब में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और आज शुरुआत में हमने मेटल काउंटर में देख लिया। और एशियन पेंट आप देखो कि क्रूड की वजह से काफी दिनों से परेशान था और उसकी वजह से दिवाली होने के बावजूद भी काउंटर में पिकअप नहीं हो रहा था, बट मेरा मानना है कि अब इस काउंटर को यहाँ पे लेना चाहिए। यदि आप ट्रेडिंग नहीं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो पक्का इस काउंटर को ले। ऊपर में 3500 से आपको स्टॉक करेक्ट होकर 2850 गया हुआ है, हमारा ऐसा मानना है कि 2850 जो रिसेंट का लो है वो सपोर्ट का काम करेगा ऊपर में आपको 3300 तक के टारगेट को दिलाने के लिए। ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है एशियन पेंट्स पर, ध्यान दीजिए ये एक वो स्टॉक है जिसने पिछले 21-22 साल में हर साल आपको बहुत शानदार रिटर्न दिया है और 2 या 3 साल ही ऐसे हैं पिछले 21 साल में जहां पर आपको नेगेटिव रिटर्न आता हुआ दिखा है। फिलहाल ये काउंटर अपने उच्चतम लेवल 3300 से रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है और अब एक बढ़िया स्विंग ट्रेड आपके सामने फिलहाल 2953 पर, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में भी जोड़ सकते हैं फिलहाल SIP के जरिए। वीरेन जी, आपकी नजर कहां है? चलिए, निगाहें हैं टीवीएस मोटर्स पे। आपने अशोक लेलैंड के बारे में टिप्पणी करी, स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग आया, टीवीएस के साथ तो अच्छे नंबर्स और ईवी वाली स्टोरी भी है। और आप देखिए 626 पे, ये अभी आपने टेस्ला और टाटा मोटर्स का कॉम्बिनेशन भिड़ा के बात की थी, टाटा मोटर्स में सुबह से आग लगी हुई है। टीवीएस मोटर्स उस दिन के रिजल्ट्स रिएक्शन के जो कैंडल की हाई थी वो निकटती हुई, श्रीकांत 626.55 इस प्राइस पे आपका आउटलुक और नवंबर की सीरीज के लिए आपका आउटलुक। ये स्टॉक आप समझ लीजिए कि अब अपनी 4 मई 2021 से लेकर अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है, डायरेक्टर साहब साल भर का कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा, उसके हाई को काटने की तैयारी करता हुआ। श्रीकांत जी, आपका टेक इस पर? बिल्कुल वीरेंद्र, इनफैक्ट इसके जो वेटेड एवरेज वॉल्यूम को अगर आप ट्रैक करते हो तो जिस दिन इसके रिजल्ट आए थे, नंबर्स आए थे, उस दिन जो सबसे बड़े वॉल्यूम्स थे उसका जो वेटेड एवरेज था वो तकरीबन था कुछ 618-619 के करीब। और अगर आज देखें तो विथ वेरी लो वॉल्यूम उसके बावजूद स्टॉक ने उस लेवल को क्रॉस किया है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि स्टॉक में वीकनेस नहीं है, सेलिंग प्रेशर नहीं है। और इसी वजह से हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है वो 630 के करीब अभी हमें मिल रहा है, उसे बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। ऑटो में लगता है कि हमें और भी अच्छे मोमेंटम देखने मिलेंगे और स्पेशली टीवीएस मोटर जिसके नंबर्स आ चुके हैं
तो करंट लेवल से अगर मैं टीवीएस मोटर्स बाय करता हूं तो स्टॉप लॉस जो मैं रखना है वो काफी छोटा सा है, 620 का स्टॉप लॉस रखें और 650 से लेकर 660 के टारगेट्स हमें लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। बट अगली सीरीज में हमें लगता है कि बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स इन दोनों में हमें काफी अच्छी तेजी देखने मिलेगी। साथ ही साथ डायरेक्टर साहब एकदम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लाइए स्क्रीन पर, आपने ताबड़तोड़ यहां पर नतीजा आता हुआ देखा है, मुनाफा 250 करोड़ मुकाबले 160 करोड़ के, और यहां पर आपने जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो भी गिरते हुए देखे हैं, लगभग 15.5% जीएनपीए एनपीए आता हुआ मुकाबले 15.9 के, बढ़िया मूव यहां पर हम लोग स्क्रीन पर ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले कि मयूरेश जी टिप्पणी करें, यहां पर चंदन जी को जोड़ते हैं। चंदन जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुनाफा आपके सामने बढ़ता हुआ और नेट इंटरेस्ट इनकम भी 2495 करोड़ मुकाबले 2354 करोड़। बिल्कुल सर जी, पिछले काफी दिनों से हमें ये जितने भी मिड कैप काउंटर्स है बैंकिंग के रिलेटेड वो काफी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे पूरा री रेटिंग और टेक्निकल सेटअप चेंज हुआ है, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे खरीदारी की सलाह बनेगी, आपको 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 26 रुपए के टारगेट के लिए। ये 26 का मतलब हो जाएगा यहां पर आप लगभग 10% से या 8% की और वृद्धि आते हुए देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग दो आंकड़े सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं, बढ़ता हुआ प्रॉफिट 250 करोड़ मुकाबले 160 और इंप्रूव्ड नेट इंटरेस्ट इनकम और गिरते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, हालांकि 15.5% भी बहुत है। मयूरेश जोशी साहब, एक और आपको हरा निशान दिखता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट का, बताइए किस हिसाब से आप इस नतीजे को देखते हैं? बहुत शानदार नतीजे शेल सर, आई थिंक दो हिस्सों में इसको बांटना चाहिए। आई थिंक जो एम आई ग्रोथ है ये कंसिस्टेंट रही है सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए, और इवन इफ इट्स अ नॉमिनल फॉर्म एसेट क्वालिटी में आप ये मान के चले जो इनके प्रोविजन कवरेज है, आप कोई भी बैंक उठा के देखिए आई थिंक 85% के ऊपर पीसीआर है। तो जैसे ये राइट बैक स्टार्ट होंगे अगले कुछ तिमाहियों में और जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ये बेचेंगे और वहां से आई थिंक रिकवरीज आएंगी, ये सीधा बॉटम लाइन पे फ्लो होगा। एंड विद सेंट्रल गवर्नमेंट इंफ्यूजिंग फंड्स और जो कैपिटल एडिक्वेसी आज की तारीख में सारे बैंक्स की और जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहे हैं सर अभी भी आई थिंक 0.4-0.5 प्राइस टू बुक, मुझे लगता है आई थिंक देयर इज अ रन अवे स्पेस फॉर ऑल दिस। आई थिंक इवन इफ दोस नंबर्स टीम सीम टू बी अ लिटिल बिट बेटर ऑफ एब्सोल्यूट टर्म्स में, एक एक रिलेटिव टर्म में अगर आप देखें तो बहुत जबरदस्त फर्क पड़ेगा अगले कुछ तिमाहियों में। तो आई थिंक आई एम हाईली इंटरेस्टेड विद पीएसयू बैंक नंबर्स। ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर, नतीजे बाजार को पसंद आते हुए और पोजिशनली ये काउंटर 26 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। वीरेन जी, एस्कॉर्ट्स आपके लिए। जी शैल जी, एस्कॉर्ट्स मेरा कन्विक्शन वाला अगला ब्रेकिंग स्टॉक था, और हालांकि मैं एक टिप्पणी पहले कहना चाहूंगा शैल जी, अभी यतिन ने आईटीसी का जिक्र किया था और आईटीसी को देख लीजिए 235.85 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। राजेश पालवे जी, जैसा एग्जैक्टली 2:05 पे बात हुई थी, एस्कॉर्ट्स ये 1550 की ट्रेजेक्टरी को काटेगा और इस टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट देगा, एग्जैक्टली वही होता हुआ। आपकी राय, कैरी करें कल के लिए इस स्टॉक को और नेक्स्ट मंथ का कोई ऑप्शन? हालांकि इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव होगा थोड़ा सा, और क्योंकि आईवीएस इसकी बड़ी हुई है, ऑल टाइम हाई की नजदीकी स्टॉक है, आप कैसे अप्रोच करेंगे? डेफिनेटली बिल्कुल वीरेन जी, इसको कैरी ही करना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस दिखाया पूरे सेक्टर में, हमें लगता है कि ये मोमेंटम इसका कैरी ओवर होगा, नेक्स्ट सीरीज में भी ये स्टॉक एक अच्छा अपमूव दिखाता हुआ दिखना चाहिए। 1650 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी, तो पोजिशनली बिल्कुल स्टॉक पे व्यू पॉजिटिव है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने जैसा हमने डिस्कस किया 1580 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें इस सीरीज की एक्सपायरी के पहले भी आते हुए दिख सकती, तो जिनके पास पोजिशन है कैरी करें, 1525 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, 1580 की इमीडिएट टारगेट इस सीरीज के पहले आते हुए दिखना चाहिए। सामने बच चुके हैं और निफ्टी धीरे धीरे दिन के उच्चतम लेवल पर आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा, फिलहाल आपके सामने 18272 और एक से एक बढ़िया काउंटर अब आपको रिवर्सल ट्रेड्स में मूव करता हुआ दिखेगा। लेटेस्ट है पिडिलाइट, अगर एशियन पेंट्स दिन के उच्चतम लेवल पर है तो वही स्विंग ट्रेड आपको बनता हुआ दिख रहा है, पिडिलाइट पर वही स्विंग ट्रेड आपको बनता हुआ दिख रहा है फिलहाल बर्जर पेंट्स पर। शुरुआत करते हैं अब मोमेंटम ट्रेड्स की, रचना जी से सबसे पहला ट्रेड आपके सामने प्रस्तुत है। रचना जी, क्या पसंद आ रहा है आपको?
जी मेरी नजर एसीसी पे है और एसीसी में अगर 2210 का ऐसे सस्टेन होगा तो ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे एक स्विंग पोजीशन बनाई जा सकती है बीटीएसटी के साथ साथ. टारगेट 1 इज 2260 एंड टारगेट 2 कैन बी 2280 एंड देन 2300. मोमेंटम में एसीसी और यहां पर एक बढ़िया लॉन्ग कॉल आपके सामने लगभग 1.5% की रैली के साथ आते हुए दिख रहे हैं. और काउंटर्स कौन से चहक रहे हैं? ध्यान दीजिए आपके सामने गोदरेज कंज्यूमर पर रचना जी ने ही कॉल ली थी और वो पहला टारगेट आपके स्क्रीन पर थोड़े ही सेकंड्स में आता हुआ दिखेगा. लक्ष्य था 970 का और 969 का एक इंट्राडे हाई लगाकर गोदरेज कंज्यूमर आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 967 पर. दिन का उच्चतम लेवल नतीजों से पहले टाटा केमिकल्स पर 1009 और शानदार मोमेंटम हम लोग पेंट कंपनीज में आते हुए देख रहे हैं. श्रीकांत चौहान साहब बताइए क्या लेके जा रहे हैं आप कल घर? इनफैक्ट जो आखिरी घंटे में जो तेजी बनी है उसके बाद काफी सारे स्टॉक्स अपने प्रीवियस हाई के ऊपर आए हैं और काफी सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने मिल रहा है. मुझे लगता है कि जैसे मार्केट ने काफी ग्रेजुअली कल के हाई को और आज के हाई को क्रॉस किया है ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एक बार 18,350 से लेकर 400 के लेवल्स दिखा सकता है. तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है तो मुझे लगता है कि एस्कॉर्ट्स को लॉन्ग किया जा सकता है. वापस यही बात है कि इसमें अच्छा खासा एक करेक्टिव पैटर्न था, उसने वो कंप्लीट कर लिया है, वापस अपने प्रीवियस हाई के काफी नजदीक आ चुका है. ब्रेकआउट होने के बाद हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 1600 से लेकर 1650 के लेवल्स दिखा सकता है. तो करंट लेवल से 1550 के करीब इसे बाय किया जा सकता है. 1525 का स्टॉप लॉस रखे और साथ ही साथ शेयर जो हमें लगता है कि टाइटन पे भी ध्यान रखे क्योंकि ये भी स्टॉक काफी अच्छी तरीके से करेक्ट हुआ है. और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो गोल्ड में काफी हलचल बनी है, वहां पर हमें लगता है कि गोल्ड आउट परफॉर्म कर सकता है. आने वाले कुछ दिनों में फेस्टिवल सीजन भी वहां पर स्टार्ट हो रहा है तो करंट लेवल से टाइटन को बाय करके चले जो 2450-2455 के करीब ट्रेड कर रहा है और 2420 का स्टॉप लॉस रखे. 2550 से लेकर 2575 के टारगेट हम टाइटन के ऊपर भी रख सकते हैं. पालवी साहब एस्कॉर्ट्स 1549, श्रीकांत जी कहते हैं टाइटन, पालवी साहब देख लीजिए आपका एस्कॉर्ट्स 1550 नाउ. एसीसी एट डे हाई अभी अगर आप देखें चर्चा हुई इसकी और निफ्टी आ गया है 18276 पर आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर. कल 2 बजे ठीक यही बात हुई थी, सुबह ठीक बजे यही बात हुई थी और आप देख लीजिए क्लोजिंग में निफ्टी के लेवल 18280 18288 को बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपको स्क्रीन पर दिख जाए 18288-310 की रेंज. पालवी साहब आपका ट्रेड कन्विशन ट्रेड क्या कैरी करेंगे आप कल के लिए? जी दो स्टॉक रहेंगे, पहला तो मेटल पैक से टाटा स्टील. जिस तरीके से टाटा स्टील में आज गेन देखने को मिले 1340 के ऊपर अभी स्टॉक सस्टेन कर रहे हैं तो टाटा स्टील यहां से बीटीएसटी ट्रेड होगा. एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम टारगेट कल 1370 से 1380 तक की अपसाइड इसमें कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए. 1330 के स्टॉप लॉस से टाटा स्टील बाय करेंगे. जो दूसरा स्टॉक है वो 1 से 2 दिन का ट्रेड होगा, वो होगा ग्रासिम का. ग्रासिम में जिस तरीके से आज सस्टेन्ड बाइंग देखने को मिली, हमें लगता है ग्रासिम को यहाँ से एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना चाहिए. 1745 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 1730 का और हम मान के चल रहे हैं एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 1810 से 1820 तक के. तो ग्रासिम एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड होगा पोजिशनल और टाटा स्टील कल के ओपनिंग के लिए तक हमें लगता है 1380 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए. प्रकाश गवर सर आपका कन्विक्शन ट्रेड? मेरा कन्विक्शन कौन है इस वक्त? जेएसडब्ल्यू स्टील. इसका जो स्ट्रक्चर है मुझे पसंद है. अब नीचे आते आते थक गया, अब तो ऊपर ही जाए. स्टॉप लगाइए 680 का जेएसडब्ल्यू स्टील पर. टारगेट रहेगा फर्स्ट 720 फिर 730 भी देखेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील. वीरेन जी बहुत ही बढ़िया हम लोग मोमेंटम ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं. कुछ समय पहले एसीसी पर मोमेंटम ट्रेड हम लोगों ने शुरू किया था रचना जी के साथ. 2248 दिन का उच्चतम लेवल यहां पर आता हुआ दिख रहा है तो बहुत अच्छी तेजी आप स्क्रीन पर आते हुए देख रहे हैं. जोड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब को. चंदन जी बताइए कहां ध्यान और रुझान, क्या तेजी क्या मंदी? बिल्कुल सर जी, 18200 की कॉल है उसको कंटिन्यू करने की सलाह रहेगी. ऑलरेडी प्रीमियम 130-170 हुआ है, 190-200 प्लस तक के टारगेट रहेंगे और किसी को लग रहा है कि इंट्राडे स्विंग मिल गया तो 18250 की कॉल में शिफ्ट हो सकते हैं. यहाँ पे 40-45 पॉइंट का मुनाफा करके
अब ट्रेडिंग एरियाज की बात करें तो देखिए हम टाटा मोटर्स की कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं, श्रीकांत जी ने शायद टाइटन की बात की है, तो ये सारे काउंटर तो अच्छे लग रहे हैं। बट उसके अलावा मैं यहाँ पे ABFRL पे खरीदारी की सलाह दूंगा। आदित्य बिरला फैशन रिटेल 260 रुपए अभी चल रहा है भाव, 253 के स्टॉप लॉस से 275 का अपसाइड यहाँ पे बनना चाहिए। तो ये भी एक बढ़िया स्विंग ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है 260, और आपने जो उच्चतम लेवल 7-8 दिन पहले देखा था वो है 275। एक बढ़िया तेजी आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। 31 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं इस काउंटर पर। ये आपके सामने फिलहाल ट्रेड बनते हुए दिख रहे हैं। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस कुछ ही समय में हम लोग स्क्रीन पर पेश करते हुए दिखेंगे। वीरेन जी बताइए क्या कीजिएगा, बहुत ही शानदार मोमेंटम हम लोग निफ्टी में ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। और अब ऐसा करते हैं, जरा एक नजर डालते हैं यूरोपीय बाजार पर, एक नजर डालते हैं यूएस फ्यूचर्स पर, और कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लेट हम लोग देखेंगे फिलहाल निफ्टी के। दिन के उच्चतम लेवल पर आप धीरे धीरे इस काउंटर को बंद होते हुए देख रहे हैं, और एक अच्छी बात यह है कि बाजार में से डर आपको निकलता हुआ दिख रहा है। टॉप कंट्रीब्यूटर रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये काउंटर आपके सामने लगभग 2.3% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 2663। आपके सामने कोटक बैंक नतीजों के बाद मजबूती से ट्रेड करता हुआ, बजाज फाइनेंस नतीजों से पहले, और टाटा मोटर्स में आप शानदार मोमेंटम देख रहे हैं। मामूली सी मुनाफा वसूली ICICI बैंक में, और बाकी जो कंट्रीब्यूटर्स लाल निशान के हैं वो बहुत ही इक्के दुक्के हैं। तो ये फिलहाल सिचुएशन आपके सामने निफ्टी पर, और यूरोपीय बाजार और अमरीकी बाजार भी जरा एक नजर डाल लेते हैं। कोई खास मूवमेंट 1% का आप देख रहे हैं जर्मन बाजार में, और आधा आधा प्रतिशत आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं फ्रांस और यूके के बाजार। यूएस फ्यूचर्स पर नजर डाल लीजिए, अच्छा मोमेंटम 100 अंक ऊपर, 90 अंक ऊपर और 17 अंक ऊपर आपको ये तीनों इंडिसीज दिख रहे हैं। ये रिकॉर्ड हाइस के ऊपर आप नए मूव्स आते हुए देख रहे हैं। तो बढ़िया मूड और माहौल में हम लोग इस बाजार की तेजी को देखते हुए और डाइजेस्ट करते हुए चल रहे हैं। बहुत ही अहम चार्ट डायरेक्टर साहब प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, इंडिया विक्स, यानी कि डर बाजार से धीरे धीरे आपको निकलता हुआ दिख रहा है। दो काउंटर्स जहां पर ताबड़तोड़ तेजी। चंदन जी आपके लिए हिंडाल्को ऑलमोस्ट 488, और आपके लिए प्रस्तुत करेंगे टाटा केमिकल 1010। बताइए क्या कीजिएगा। बिल्कुल, सबसे पहले हिंडाल्को पे डिस्कस करेंगे। देखिए मेटल यहाँ पे अच्छे खासे बॉटम और रिकवरी देखने को मिल रही है। हिंडाल्को में पिछले 5 दिन का लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट होकर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न डेली चार्ट में 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट से बना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव व्यू है हमारा। 475 का सपोर्ट रहेगा आपको, लगभग 505 तक के अपसाइड हिंडाल्को में बनेंगे। उसके अलावा टाटा केमिकल की बात करें, बिल्कुल यहाँ पे भी रिवर्सल देखने को मिला है, परफेक्ट बुलिश कैंडल यहाँ पे बना है 982 के सपोर्ट से, तो 982 के सपोर्ट से यहाँ पे भी लगभग 1070 यानी 6% के अपसाइड मिलेंगे। तो दोनों काउंटर में काफी शानदार रिवर्सल और मोमेंटम देखने को मिलेगा, और इमीडिएट छोटे से स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे स्विंग प्ले कर सकते हैं। और एक बढ़िया स्विंग ट्रेड डायरेक्टर साहब आप दिखाइए एशियन पेंट्स का। कुछ समय पहले हम लोग 2956-2960 के आसपास थे, आपके लिए प्रस्तुत है 3000 का प्राइस, यानी कि एक बढ़िया रिवर्सल ट्रेड अब आपको बाजार में आता हुआ दिख रहा है 3% ऊपर। इस काउंटर पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत परेशानी के जरिए एशियन पेंट्स ने पिछले 2-1 हफ्ते निकाले हैं, और अब वापस शॉर्ट कवरिंग के जरिए आप एक शानदार मूव आते हुए देख रहे हैं। चलिए समापन समारोह शुरू करते हैं। डायरेक्टर साहब प्रस्तुत कीजिए हमारे निफ्टी को। दिन का उच्चतम लेवल हम लोग देख रहे हैं 18300 फ्यूचर्स में, और 18280-292 आपके सामने निफ्टी 5 दिन की गिरावट के बाद आज आता हुआ दिख रहा है। टाटा मोटर्स 6% ऊपर, बहुत ही बढ़िया बाय कॉल्स श्रीकांत चौहान साहब की तरफ से, वीरेन जी की तरफ से आपको आती हुई दिख रही हैं। मेटल की वापसी, टाटा स्टील, JSW स्टील और हिंडाल्को को आप 4 या 5 दिन की गिरावट के बाद वापस आते हुए देख रहे हैं। साथ ही साथ एशियन पेंट्स को देखिए, 2 दिन से हम इस काउंटर को इस
लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं और अब यहां पर एक बढ़िया रिवर्सल ट्रेड लॉन्ग साइड पर बनता हुआ। बाजार का बादशाह कोटक महिंद्रा बैंक नतीजों के बाद फ्रेश रिकॉर्ड हाई 2200 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। शानदार स्विंग ट्रेड्स आपको पूरी स्क्रीन पर दिखेंगे, यानी कि 4-5 दिन की गिरावट के बाद अब आप पहला हरा निशान आते हुए देख रहे हैं। बाजार में डर धीरे धीरे जाता हुआ सिस्टम से। कहां पर दिक्कत है? कोई भी चिंता आईसीआईसीआई बैंक पर नहीं करनी चाहिए। यहां पर काउंटर कल 11% ऊपर बहुत ही ताबड़तोड़ तेजी के साथ आता हुआ दिखा था, बहुत ही मुनाफा वसूली होती हुई। टीसीएस दिक्कत में है, यहां पर आप अभी रिवर्सल ट्रेड को जनक लेते हुए नहीं देख रहे। एचडीएफसी बैंक और इंफोसिस में भी मामूली गिरावट। तो टीसीएस और हिंदुस्तान यूनिलीवर में अभी भी 200 डीएमए के नीचे ये काउंटर स्ट्राइक करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल निफ्टी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता हुआ। मेटल और साथ ही साथ आपको कुछ फार्मा काउंटर्स और ऑटो स्टॉक्स आज एक बढ़िया रुझान में ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। मेटल्स पर 3.5% की तेजी। निफ्टी का ऑटो इंडेक्स दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब, यहां पर भी आप एक अच्छी चहक आते हुए देख रहे हैं, ये भी 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक 82 अंक ऊपर। और सबसे बढ़िया बात ये देखिए, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, बुल्स की वापसी, लगभग 4:1 का रेशियो आप देख रहे हैं, गिरने वाला एक शेयर बढ़ने वाले 4। वीरेन जी, ये तो कैश मार्केट्स का हाल है, बताइए एफएनओ में आपकी नजर कहां जा रही है? शैल जी, एफएनओ में मैं एक बार जरा रोलोवर्स की शीट दिखाता हूं आपको और इंडिसेस के रोलोवर्स को आप देखें तो आज के क्लोजिंग तक आते आते अगर आप देखें तो करीब करीब 18,341 पर निफ्टी का रोलोवर 38, निफ्टी बैंक का 37% रोलोवर। निफ्टी में मोस्ट इंप्रेसिव रोलोवर्स की अगर आप आंकड़े देखें तो इस क्रम में याद रखिएगा, सबसे ऊपर सीमेंट का दबदबा है, अग्रासिम 74, जेएसडब्ल्यू स्टील आज करीब करीब 62% रोलोवर लेके जा रहा है और आईटीसी करीब 59% रोलओवर। उसके बाद अगर आप देखें तो एक बैंक इंडसइंड बैंक आज हालांकि हल्का सा डिप था, 53% रोलओवर और केमिकल स्पेस में अगर आप देखें यूपीएल सबसे स्ट्रांग रोलओवर लिखा जाता हुआ करीब करीब 54% का। और अक्रॉस द ऑल मार्केट अगर आप देखें जिस स्टॉक का सबसे स्ट्रांग रोलओवर है वो है अदानी पोर्ट्स 76 और सन टीवी। आज शर्जी अगर आप देखें इसके ऊपर व्याख्या भी की थी, ये करीब रोलओवर देखा जा रहा है करीब करीब 70% का। ये तो कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग रोलओवर थे, आपके जहन में होना चाहिए। लेकिन सबसे इंप्रेसिव करंट मंथ का भी और नेक्स्ट मंथ का जो बिहेवियर क्लोजिंग के वक्त रहा वो था रामको सीमेंट्स 7.5% ऊपर, अच्छा एडिशन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन द बैंकिंग स्पेस, याद रखिएगा सबसे स्ट्रॉन्ग रोलओवर बैंकिंग में अगर किसी बैंक का रोलओवर था तो वो था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। डिक्सन मोटर्स की शानदार पारी रही और उसके बाद मेट्रोपोलिस को देखिए तो आज 5.5% ऊपर और काफी शानदार स्टेट्स यहां पर हैं। हम एक शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए और 18,300 आपकी स्क्रीन पर और यही सुबह बात हुई थी कि आज मिलेगा, वर्ड्स थे अ टिपिकल टेक्निकल पुलबैक डे, 17,18,288, 18,310 आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। और जी हाँ, 180 अंकों के इजाफे के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ 18,308 पे और आपका जो डे हाई रहा अब आप देख लीजिए वो एग्जैक्टली था 18,310। तो शैल जी, 20 डे मैंने काम किया और 5 दिन से जो हैमरिंग स्टॉक झेल रहे थे आज आखिरी का एक घंटा उनके नाम था स्ट्रॉन्ग पुलबैक वहां पर। वीरेन जी, करोड़ों निवेशकों की जो पूजा थी उसने भी काम किया। बिल्कुल सही, उसमें तो कोई दोराय नहीं है सर जी। तो आप समझिए, ये जो 20 डीएमए है इसके नीचे करोड़ों ट्रेडर्स निवेशक जुड़े हुए थे हाथ की भाई तुम थम जाना और फिर देखते हैं क्या होता है। तो 4-5 दिन की लाल निशान और बहुत ही परेशानी के साथ आपने जो समय बिताया वो अब 1% तेजी के साथ आपके सामने स्क्रीन पर है, 18,310 निफ्टी। देखते हैं 10 मिनट बाद क्लोजिंग क्या होती है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि आप लगभग 160-150 अंक ऊपर बंद होते हुए दिख रहे हैं और ये एक बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट। चलिए, समय समाप्त हो चुका है कमाई के अड्डे का। चंदन तपड़िया साहब, राजेश पालविया साहब, श्रीकांत जी, रचना जी, गाबा साहब, आपका बहुत बहुत आभार। यहां पर इस शो को समेटते हैं और वीरेन जी और मुझको दीजिए इजाजत। अब समय है कमोडिटीज का, वो कवरेज आपको इस छोटे से विलंब के बाद कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। धन्यवाद।